आज का जो हम लोग डिस्कशन जो रखेंगे, हम लोग दोनों फिल्में जो है फर्स्ट फेयर ओबामा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और वो लड़की जिसके अंदर डायलॉग भी है और एक एज एन एक्टर ही है उसे परफॉर्म किया है. सो द डिस्कशन इज ओपन टू ऑल ऑफ यू, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. बोथ ऑफ द फिल्म्स यू पीपल हैव सीन. कोई भी आदमी कुछ भी उससे रिलेटेड, डायलॉग से रिलेटेड, डायलॉग राइटिंग के स्टाइल से रिलेटेड. डायलॉग राइटिंग एक स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. सिचुएशन क्या है फिल्म की, किस टाइप का फिल्म है वो, उसको लेके, एक्टर हैंडलिंग को लेके, एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, जो भी आपको लगता है कि कुछ पूछना चाहिए या पूछना जाए. कई बातें हिंदी में समझाई जाती हैं और उन सबको समझ आती हैं. पूछो यार, बहुत ही जोश है यार इसे पहले. नरेश को मैं 11 साल पहले जब मिलता हूँ तो मैं इम्प्रेस होता हूँ कि एक सिनेमाटोग्राफर खुद से जो एफ के आई से, और मैं बिल्कुल नया हूँ उन्होंने बिल्कुल नहीं आए हुए मार्च मुझे कुछ 6 या 7 दिन हुए. और एक ही दोस्त है जो कॉमन फ्रेंड है, तो मेरा पड़ोसी था, तो मैं उसके पास ही जाऊँगा. बॉम्बे में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, आप लोग ऐसे मैं मिलता हूँ और वो मुझे बताता है कि एक्टर्स को फोटोग्राफ ही चाहिए. मेरे पास एक कागज़ था जिसमें मैंने टाइप करके लिखा हुआ था कि ये मैंने नाटक किया, यानी कि मैंने थिएटर से, और मैं पहुंच जाता था वो मानते थे फ़ोटो क्लिच. फ़ोटो क्लिच एक फ़ोटो 50 रुपये की खींचते हैं, वो बेमन से इसलिए खींचते हैं क्योंकि उनकी सोच बहुत टिपिकल होती है. डिस्कशन में हूँ ना, वो कहते हैं कि यार ये तो थोड़ा सा मोटा है, ये एक्टर कैसे बनेगा, तो ये तो कट 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 करके हमें दे देते हैं जिससे हम कुछ नहीं होते. तो मुझे नरेश मिला और नरेश ने कहा कि मैं खींच सकूँगा अभी फोटो, चलो. उनके बाद बड़ा मतलब खूबसूरत ही कहूँगा मैं, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था वो कैमरा, तो ऑन शॉट अला और थिएटर में कैमरे की इतनी इंपॉर्टेंस थी जिनके साथ थिएटर किया था वहाँ, मतलब सब मिल के भी कैमरा नहीं ले सकते. अस्मिता एक ग्रुप है अगर कुछ एक्टिंग की स्टूडेंट्स में, फिर एक लोखंड वाला जगह है वहाँ और कुछ अच्छी अच्छी रियलिस्टिक लोकेशंस में मैं इतने फोटोग्राफ खींच के थी. मैंने कहा यार ये क्या खींच लिया, क्योंकि हमने तो पोर्टफोलियो देखे हुए थे उसमें, कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, एक लाइट होती है वो होता है, एक ऐसे होता है थोड़ा ब्लड लगा होता है. तो एक बात बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी कि अगर सब कुछ फोटो में कर लेगा तो लोगों को दिखाएगा जैसे तुम हो, बस वही दिखाओ फोटो. एंड दिस इज स्टार्टेड लाइक कुछ ये, और मैं लग गया उसको घुमाने के लिए, ये फोटो है ये मेरा काम है, मुझे आप ऑडिशन दे दो या एक्टिंग दबाओ. ये एक छोटी सी एक चीज़ होती है जो सब एक्टर्स के साथ भी होती है. पर इंटरेस्टिंग चीज़ कि मैं राइटिंग में कैसे आया, उससे पहले कुछ भी फिल्म से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा लगता है जो यार तुम्हारे क्वेश्चन मुझे भी ग्रो करेंगे शायद, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कुछ पूछा जाए. मैंने 92 में शुरू किया था और मैं 99 में पहुंच गया था, जनवरी में बॉम्बे था, 7 साल समय. 92 जो प्रॉपर थिएटर होता है उससे पहले 90 और 92 के बीच का वो एक बेवकूफ़ बनने वाला टाइम था. कुछ कोर्सेज नहीं होते थे, कोई भी बोलता था कि पैसे जमा करके नाटक कर देते हैं, क्वालिटी टाइम की वो भी दिया गया. पर 92 से 99 दिसंबर तक हम जनवरी में different style of dialogue. I still remember when I was looking at the film. First time when we introduce a heroine, and we're a little more curious that who will come out of this glass, and glass goes down. So she offers the tea. And the hero says, Paratha bhi de. Like it's very rare to find a film like this. And
past 10 years, particularly, the style of filmfare award is also getting changed. It is not always to big names. It could be a newcomer altogether. But it should be something which is interesting. Now, this is what you will not expect. In the whole film, whenever I was, I could enjoy many things in the film. Say, for example, there's another situation when the first time trying to woo that girl with a car, and she says, I'm not interested in this car. So then he sees the auto and he talks about the auto. So she says, I'm not interested. So then he says, you can't bell run now. That is going to another extreme. You know, when the pedal is running, bhook bhi lag jayegi. Bhook bhi lag jayegi. Itna focus, ye kya hota hai ki, main bhulne yahan pe bol raha hu ki ye hum log jab bade ho rahe hain films ke saath, to bahut badi badi film hai. Mere liye nahi, shayad Deewar aur Trishul aisi film hai jisme ek hero nikal ke aata hai 70s ke cinema mein. To wo hero jo nikal ke aata hai, wo jo lines bolta hai, वो हमको कनेक्ट कर देते. हमको लगता था कि ये आदमी है जिसके जैसा हमें होना चाहिए, क्योंकि उस समय यूथ जो था वो इतना शायद एग्रेसिव नहीं होगा, या उनमें से एक एग्रेसिव होता था और कहीं निकल जाता था लेकर अपनी जिंदगी. लोगों को लगता था कि यार ये ट्राई करना चाहिए. अभी अगर विजय के पास ऑप्शन हो कोई कि माँ बाप को उसको पालना है या अपने छोटे भाई को पालना है, तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं जॉब कर ही लेते हैं. प्लान्स की नहीं है ना, तो उन डायलॉग्स का जो इम्पोर्टेंस था वो खत्म हो गया, क्योंकि वो लगने लगे हमें भी कि ये डायलॉग है. फिर वार्तालाप का जमाना है, कन्वर्सेशन का आया. अब वो कौन बोलेगा? हम अपनी गर्लफ्रेंड के आगे हीरो होते हैं, हमारी कोशिश उसको हंसा कर पटाने की होती है, तो वो ह्यूमर वहाँ ऐड किया जाता है लोगों के कन्वर्सेशन में होता है. तो वो सब चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे, तो या तो हम होते हैं या हमारे जैसे ही हमारे दोस्त होते हैं. तो यहाँ वो टेक्निक थी कि ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी. अगर आपको रियल और टेस्टी लिखना है, अगर मैं जावेद अख्तर साहब जैसा डायलॉग कुछ लिखता हूँ, या मैं यही बोलूँगा कि जाओ गए सर ने रसायन लिखा जिससे मैं आप लिखा जाओ गए सर ने रसायन लिखा जिससे मेरी माँ को फुटपाथ के जीने के लिए मजबूर किया है, हमारा बचपन छीन लिया होता है. क्यों सर डायलॉग इसको अभी अगर मुझे अभी बोलना होगा तो मैं सीधा यही बात बोलूँगा कि हाँ भाई जा पहले जा असाइनमेंट लिया जाके उसके समझा ये बात करिए. जब चार अंडे का ऑमलेट खाता है, जब कूलर चला के सोता है, 2500 रुपये डोज की बिजली खर्च करता है, 800 रुपये महीने का बिल आता है, तो कौन दे रहा होता है? तेरा कमीशन दे रहा होता है, पुलिस भी दे रही होती है, हमारा खराब है, चल नहीं कर रहा असाइनमेंट. यू नो, तो हम उसका हीरोज़ है मैडम, क्योंकि मैं अपने डायलॉग्स के अंदर अब इंटेंशनली ये करने लगा हूँ कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक वाले को स्पेस नहीं दूँ कि मेरे डायलॉग के हिसाब से वो वायलेंट डाले. तो क्या वो ना करे, तो एक रियलिस्टिक अप्रोच हम लोगों के बीच में जितनी भी, और मेरा ख्याल वही है यार डायलॉग, और कुछ है ही नहीं अब जब तक ये दौर आएगा. पर मैं और रजत अरोड़ा जब दोनों नॉमिनेटेड होते हैं ये सारी जिंदगी और डर्टी पिक्चर्स के लिए, तो मुझे नहीं मिलता यार. वो एक ऐसा शख्स है जिसने उस चीज़ को निकाल के दोबारा लेकर आया, वो दोबारा भी आया, तो ये ऐसे घूमता रहेगा. फिर एक फिल्म आएगी जिसमें दोनों डिफरेंट फिल्में होंगी, वो ये सारी जिंदगी सुधीर मिश्रा के डिफरेंट फिल्म है और रजत अरोड़ा की लिखी हुई और जो भी डायरेक्टर है उन्होंने ये डर्टी पिक्चर्स मिलन मित्र की वाली फिल्म, दोनों अलग एकदम परफेक्ट उदाहरण है. दोनों अलग अलग फिल्में, दोनों में अलग अलग अप्रोच, जीतना हारना नहीं, और दोनों हम एक साथ मिल सकते हैं. रियल आसपास भूल गए हम लोग, जो वो आसपास बिल्कुल ही. थोड़ा सा मैं अपने एक्टर के क्राफ्ट को भी सवाल करता हूँ, और जो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका नरेश का एक बोलने का तरीका है, ठीक है, अब वो तरीका तुम्हारे साथ है, तुम बताओ कब आरम्भ मिलने मेरा तीन थे. तो अब ये मेरे लिए ये छप गया, अब मैं चाहूँ ना चाहूँ कोई कैरेक्टर आएगा वो इससे मिलता होगा, क्योंकि आएगा तो जर्नी से ना, तो वो मिलता होगा. अब मुझे एक सीन ही लिखने को मिल गया कि यार एक आदमी इंस्टीट्यूट जा रहा है, अब वो कैसे बात करें, तो मैं चाहकर किससे जाऊँ?
ना अपने आप सॉफ्टवेयर जो है कट, मैं वो जो अभी बात कर रहा हूँ कट कॉपी बेस, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का थोड़ा, हाँ वो एक्टर, मैं नरेंद्र को एक्टर ही था, मैं एक्टर की तरह दूंगा, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो उन दोनों को मर्ज करूँगा, क्योंकि अभी मैं ये सब चीज़ देख रहा था, अब कोई आदमी अपने बारे में बता रहा है, तो मुझे भी लग रहा है कि इंटरव्यू में कि ये आदमी कुछ बता नहीं रहा है पर ये सिर्फ बोल रहा है, तो उसके बीच में से दो उंगली आती है, तो उसका ध्यान इधर आता है, तो डायरेक्टर से नाम बताओ जो तुम्हारी जरूरत है और वो बताए, तो इससे क्या हुआ कि एक आदमी ज़्यादा नहीं सुनेगा तेरी टू पॉइंट, इंटरनल क्या हुआ इस कैरेक्टर का, इंटरनल क्या हुआ, इंटरनल ये हुआ कि लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज क्या बात हुई, फोकस, तो फॉर मी दिस इज व्हाट आई हैव टू राइट, इट्स नॉट ओनली डायलॉग्स, इट्स अबाउट राइटिंग एवरीथिंग, इफ आई एम स्पीकिंग एंड समबडी इज लिसनिंग, हाउ ही इज लिसनिंग, तो वो सब कलेक्टिव बन जाता है, क्योंकि एक सेटअप ही लगाना है यार, जिसमें एक सीन लिखना है, नरेश मिल गया, मैं उसको सोचने वाला मिल गया, राइटर हो गया, मेरे को कैरेक्टर मिल गया, मैंने लिख दिया, अब सीन ये है कि क्लासरूम का एक सीन है, तो फिर जब आपको बोलेंगे एक्शन तो एक्टर एक्टिंग में आ जाए, और अगर नहीं बोलेंगे एक्शन तो फिर ऐसे भी बैठेगा वो, ऐसे भी बैठेगा, चप्पल उतार के भी बैठेगा, जहाँ आप एक्टिंग करने आओगे एक ग्राम तड़का लग जाएगा, तड़का लगते ही एक्टिंग रियल स्कूल से बाहर, तो ये दोनों मैं इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, ये दोनों मजेदार हो जाते हैं, दाल चावल अचार बना दो, सब टेस्ट हो गया, उसमें मुझे मालूम था कि मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, नहीं मुझे तब नहीं मालूम था, जब आपने मैं भी कर रहा था वो भाई रोल कर रहा था पवन मल्होत्रा, पवन मल्होत्रा पवन भाई रोल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक दिल्ली का लड़का है यार, दिल्ली की, मैं दिल्ली की कुछ छह कहानियाँ पढ़ा करता था पृथ्वी में, पुरानी दिल्ली की कुछ कहानी, मेरे ये लड़का यार दिल्ली को कुछ अलग तरीके से जानता है, जिस नीट है और मैटे मोरे डायलॉग राइटिंग यार, चलो डायलॉग राइटिंग शुरू करते हैं करते कहानी, और फिर वो मैं पढ़ता था जब कैरेक्टर अपना उसको शायद दिखा फिर मिथ्या आगे टी वी में, तो एक दिन दिवाकर ने पूछा तुम एक्टर भी हो, मैंने कहा हाँ एक्टर भी, मतलब आप काम करते हुए बोल नहीं सकते ना मैं एक्टर भी हूँ, जो भी लादा जाएगा उस चीज़ का, फिर उसने कहा अच्छा ठीक है मैं चाहूँगा कि फिर तुम अच्छा रोल करो इसमें, आगे एक सीन है उसके अंदर मुझे तो जो बच्चे पहली बार सुनते हैं अपना कुछ सरदार हो सब ग्रुप पूरा का कहेंगे, उनको लड़का जो है दिखाई देता है जिसको उनको तोड़ना है, तो जो हाँ स्कूल का ही स्कूल का लड़का जो है, तो एक लड़के का क्लोजअप है वहाँ पर, और जो गाली दे रहा है एक्चुअली वो गाली जो है इतनी वल्गर है एक्चुअली, बट वो बोलता वही है, उसका शब्द को थोड़ा ध्यान दे दो तुम्हें तो पकड़ में आ जाता है, तो जब तुमने वो डायलॉग लिखा उसका तो क्या वो हिंट भी थी वहाँ पर कि ये डायलॉग कैसे बोला जाएगा, या एक्चुअली ऐसे ही बोला जाएगा या दिवाकर इंटरप्रेटेड कि नहीं इसको क्लोजअप में लेके, तो नहीं दिवाकर का गालियों को दिलवाना और गालियों को छुपाने का एक अपना परसेंशन जो घोसला कर देता है, जब मैं लिखता हूँ तो मैं बहुत ही अपनी सेंसिटिविटीज के साथ लिखता हूँ जिसमें गालियाँ नहीं होती, लेकिन जब हम फॉर्म करते हैं तो राइटर का लिखा हुआ और एक्टर का जो मर्ज करता है और इसको रियल और नेचुरल बनाना होता है, तो हम परफॉर्म अपनी लाइनों को करते हैं तो गाली नहीं मिलता, दिस इज़ व्हाट अ नेचुरल रिएक्शन एक्चुअली, तो जब हम उन बच्चों को जो एक्टर्स नहीं थे वो जो सब बच्चे थे वो एक्टर्स नहीं थे उनको जब हम करके दिखाते थे तो अपनी सीन का फील और अपनी एक्टिंग के परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस में वो गाली नहीं मिलता, तो वो गाली निकलने के बाद ये उस प्रोड्यूसर जी ने तो दिवाकर ने कहा कि दिखाते हैं ना गाली, मैंने कहा सर सेंसर वेंसर होता हूँ मैं क्यों होता हूँ, कहते नहीं नहीं वो मैं मैनेज करूँगा, तो वो जो बच्चा था वो गाली देना नहीं चाहता, तो उसको बोला गया कि साले उस समय तो बढ़िया हॉकी के वो गोल मार के मैच वो कर रहा था, तो
तो वो आप देखोगे तो वो गाली सुनाई नहीं दे रही है नहीं, पर वो डील में तो वो डबिंग में हमने ठीक किया, पर दिवाकर को शायद यहीं तक पहुंचाना क्योंकि ये सवाल एक ऑडियंस देख रही है कि गाली देते हैं, पर आप देखोगे तो पूरी फिल्म में गाली नहीं। वो मोहम्मद ईरानी जैसे पारसी एक्टर को, ईरानियन एक्टर को, वो यही बोलते हैं कि तू सिर्फ ऐसे बोलना जो मार पाए ना, तो वो पहुँच भी जाएगा और गाली भी नहीं। तो वो उसके अंदर ये ऐसा नॉटी थिंग है, तो ही लाइक टू एक पंगा विद सेंसर बोर्ड और स्टैंड बोर्ड, तो बिल्कुल लिखा नहीं जाता है, पर लिखते समय एक कॉन्सेप्ट जो हम एक वार्म अप करते हैं एक एक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो राइटर को वो करना पड़ता है, उनको सीन्स बाय हार्ट याद होते हैं, तो वो डायलॉग का जो कम्युनिकेट कर रहा है सीन वो डायलॉग में हमने लिखा, और लिखे से अलग होता है हमेशा परफॉर्मेंस का हमेशा अलग। तो जब हम नेचुरल एक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन डायरेक्टर को इंटरेस्टिंग लगता है, डायरेक्टर कहता है कि नहीं गाली लगे पर गाली सुनाई नहीं दी, तो वो एक आई थिंक दैट इज लाइक 30 सेकंड का होता है कमर्शियल हिट करता है उसका एड्स बनाने का एक दिमाग हो, पर ना मैंने लिखी थी लिखी नहीं एक्टर ने परफॉर्म की, वो लेता है उस रिलीज में। और जो जब मैं ये फिल्म पहली बार देखी मुझे ये चीज़ पकड़ में नहीं आई, दोबारा ये फिल्म देखी तो मुझे एक प्ले है जो बड़ा फेमस है आधे अधूरे, और उसमें वो प्ले इसलिए फेमस भी है कि एक कैरेक्टर जो है पांच कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है, कुछ एक डायरेक्टर्स लोग अलग अलग लोगों से करवाते हैं, बट जो ढंग के डायरेक्टर होते हैं या डायरेक्टर जो एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते हैं, कोई भी एक्टर जो होता है वो कभी ना कभी ये सोचता है कि मैं आधे अधूरे जरूर करूँ, क्योंकि एक ही आदमी पांच कैरेक्टर जो है। तो ये जब लिखा जा रहा था इसका डायलॉग जो है, और तो क्या ये बात पहले से डिसाइडेड थी कि परेश जो है ही तीन डिफरेंट कैरेक्टर्स करेगा, लिखते वक्त ये पहले से क्लियर था या लिख लिया गया था उसके बाद डिसाइड हुआ? जब मैं परेश जो है एक ही आदमी होगा, एक ही मतलब रियल एक्टर एक होगा, बट वो तीन डिफरेंट कैरेक्टर होगा, बहुत लोगों को इस वजह से कन्फ्यूजन भी। पहले मैं ये सवाल सबने देखी हुई लगती तुम्हें क्या लगा था कि तीन कैरेक्टर्स होने चाहिए थे या नहीं? तीन अलग कैरेक्टर होने चाहिए, एक ही आदमी को तीन में फिर घूमने भी देखे तो मेरे हिसाब से एक डिफरेंट करता है, एक सरदार है, डॉक्टर है, बॉडी लैंग्वेज हर चीज डिफरेंट है, उसका भी काफी कंफ्यूज भी करता है। मुझे लगता है कि लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं बताता हूँ कि मैं एक पहली फिल्म लिखने के लिए पहुँचा, उससे पहले जो लिखा था वो सिर्फ घूम रहा था लोग, ये यूटीवी था तो उम्मीद थी कि ये फिल्म रिलीज हो। जब मैं लिखने आया था तो मुझे एक 20 पन्नों का स्टोरी आइडिया और सीन फ्लो मिलता है। जब मैंने ये पढ़ा तो तीन अलग कैरेक्टर्स थे, बाप का, गोगी भाई का और कॉपर खाना, तो तीन अलग कैरेक्टर्स से, तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक ही एक्टर इसको करे। और दिवाकर का पहले दिन से जब लक्की को कंसीव किया था इसमें अपने दिमाग में एज अ थॉट, तब से था ये दिमाग में, या एक दिन सामने आकर अचानक उसने कहा कि और एक ही एक्टर करे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहला कैरेक्टर जो है वो पंकज चतुर्वेदी करे, ओमपुरी करे, और गोगी भाई का कैरेक्टर जो है वो पंकज कपूर कर लें, और तीसरा कैरेक्टर जो है वो परेश। ये कास्ट मेरे दिमाग में थी कि ये तीन लोग हैं, पर फिर अचानक दिवाकर ने कहा कि एक ही आदमी करे, तो मैं लिखते समय रुक ही गया यार, ऐसे कैसे करेंगे, मतलब ये तो एक मुझे गिमिक लग रहा। तो उसने मुझे ये बताया कि मुझे ऐसा लगता है, दिस इज व्हाट आई थिंक मेन नंबर फॉर मी, कितना कम्युनिकेट हुआ वो एक अलग चीज़। और ये मैं बहुत से लेवल पे, ये तो शायद नए लोग हैं, मैं ऑडियंस टिपिकल ऑडियंस से भी ये सुन चुका हूँ और इंटेलिजेंट लोगों से भी ये सुन चुका हूँ कि अच्छा तो लग रहा था पर क्यों था, इसलिए मैं इसे आता हूँ। दिवाकर ने कहा कि तीनों दो एक ही आदमी होगा, उसने जो मुझे एक थॉट दिया उससे मेरा लिखना दोबारा शुरू हुआ,
जो रुक गया था ना, मेरा भी क्या तीन लोग कैसे, एक ही आदमी कैसे कर गया। उसने एक चीज़ बोली थी कि जब बच्चा छोटा होता है और उसको बाप का प्यार नहीं मिलता तो कोई थोड़ा सा भी लाड कर दे वो उसने अपना बाप भी देख लिया। दैट वॉज हिज थिंग एक्चुअली। तो उसने मेटाफोरिकली इस चीज़ को देखा कि ये आदमी मेरा बाप है जो मेरे साथ है। फिर बोगी भाई ने हल्का सा कंधे पे हाथ रखा, ये मेरा बाप। फिर उसको ज़िंदगी में और आगे जाना था तो सोसाइटी का एक एग्जाम्पल लेके डॉक्टर हंडा आया, उसको लगा ये मेरा। तो फाइनली यही रीज़न था वो लकी में, वो कोई चोर की आत्मकथा नहीं था, वो चोर के एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू की या एक ऐसी इमोशनल जर्नी की कहानी थी जहाँ वो चाह रहा है कुछ करना और उसे वो मिला क्योंकि इतना आसान था। तो जुगनी नंदी शीशे पर जुगनी मुँह मोनी ना तरीको तो ठीक सेक्टर चार। ये दिल्ली में कोई ऐसा पंजाबी नहीं होगा जो चाहता नहीं है कि एक कोठी वाली लड़की के साथ और शीशे के बाहर जो शीशा मतलब टोयटा, टोयटा मतलब टोटा। हम लोगों ने ऐसी डेफिनेशन बनाई थी, मेरी डेफिनेशन ये थी, मैंने कहा टोयटा में जो लड़की निकलती थी हमने यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान बना हुआ, इधर पंजाबी आए होंगे, बर्बाद हो गए होंगे, यहाँ आकर रिफ्यूजियों की तरह रहते होंगे। तो टोयटा गाड़ी जो है कोई 58-60 में या 60-65 में आई थी, तो जो टोयटा में निकलती होगी लड़की उसको मुझे पाना है, तो टोयटा से बोला नहीं जाता होगा तो टोटा बनना होगा। ये हमने अपनी कहानी बनाई है कि टोटा 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 बोलना तो नहीं जाता कि टोयटा वाली तो बोल नहीं पाए होंगे तो टोटा वाली टोटा 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 क्योंकि लड़की टोटा होगी। लेकिन एक प्लेयर और आया कि टोटा मतलब दिल का टुकड़ा, वहाँ पर आ गया। तो ये उसकी जो डिज़ायर थी उस तरह जाने की, और एक चोर कुत्ता कैसे चुरा सकता है, और एक चोर टेडी बियर और ग्रीटिंग कार्ड्स भी चुराता है, एक चोर पुराना कुत्ता भी चुराता है। ये उसको उसको सवाल मिला कि यार ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है। तो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। तो वो तीनों में उसको बाप नजर आता है, इसको कम्युनिकेट करने के लिए उसने ये टूल। बट लोगों को इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आया, मुझे ये मेरा मानना था पर्सनली, जिसमें मैं और दिवाकर बात भी कर चुके थे, क्योंकि पूरी फिल्म रियलिस्टिक थी, पूरी फिल्म में बहुत सरलता थी और अचानक एक एक्सपेरिमेंट हुआ तो लोग छीन। वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है एक डायरेक्टर का राइटर को कहना, और तीनों कैरेक्टर्स को एक ही कैरेक्टर ने किया पर वो तीनों अलग लिखे हुए, पर अगर देखेंगे तो तीनों लोगों ने साथ भी दिया। बाप कहता जी हम भी वही चक्की का आटा खाते हैं जहाँ का ये खाता था, अब ये चोर निकल गया तो हम क्या करेंगे, अरे इसमें क्या है जमानत तो लगेगी इतने पैसे लगेंगे। और बेटा एक लुक देता है और बाप नीचे देखता है खत्म। फिर बाप जब दिखता है तो मायूस सा पीछे गिरते में बैठा वो खांसी कर रहा है, और माँ बोल रही है कि अगर ये आएंगे शादी में बेटा तेरी तो फिर हम तो नहीं आएंगे, हमारे साथ कुछ करने की जरूरत। फिर हम दूसरा कैरेक्टर भोगी भाई इंट्रोड्यूस करते हैं, तो भोगी भाई जो है वो धंधे में इसका बाप बनता है, एक अपना बाप तो बाप है लड़का, एक धंधे में बाप बनता है और एक समाज का बाप बनता है। तो उससे भी वो धोखा खाता है गोगी भाई से, उसको ये उसको लगता है धोखा खाता है, पर उसका अपना दिमाग भी उसी तरह। वो तीनों बापों से जो धोखा खाने की उसकी चीज़ थी कि सोसाइटी के तीन तीन बाप होते हैं, आपको एक जन्म देने वाला होता है, एक आपको कामधंधा देने वाला होता है और एक आपको सहारा देने वाला सोसाइटी के अंदर नाम देता है। तो तीनों उसको मिल सकते, वो एक एक्सपेरिमेंट था, नहीं कम्युनिकेट हुआ शायद इसलिए वो सवाल भी है या बट आई थिंक आइडिया वॉज वेरी फाइस, फील वॉज वेरी गुड कि एक बच्चे को तीनों में अपने बाप दिखे तो वो दिखना चाहिए। उन्होंने हिंट्स भी दिए जिसके जैसे वो डॉक्टर हांडा होते हैं तो जब उनके बेटे से मिलने आता है तो अपने बेटे को कहते हैं कि आज गाड़ी में बैठेगा, कल मेरे को बोलेगा तो उसको चोरी करेगा, उसका रिएक्शन शॉट भी दिखाया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ वो जब पिकनिक का फील्डिंग के लिए आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी। पर डायरेक्टर अपना एक एक अपनी भाषा को कहना चाहता है और कई लोग चैलेंज भी ले लेते हैं उस चीज़ को। जब बंगाली दोबारा मिलता है और लकी चोरी करने निकलता है उस जर्नलिस्ट के घर में जिसने उसको बोला था एक सेम मार चोर जो है उसकी ही ऑर्डर हो गई, मैंने मुझे छोटा मोटा चोर अभी आता
तो उससे पहले उसी सीन में वो बोलता है कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना, तो बंगाली बहुत एक्साइटेड होकर पूछता उसे कि सच में रेस्टोरेंट खोलेगा भाई? लेकिन खोल नहीं सकता, नहीं खोल तो सकता है पर डेली जरा आइडेंटिटी वाले लोगों से उठे ना बाहर से ऐसे अंदर से कुछ ना बोल के। तो वहाँ एक लाइन थी जो मैंने लिखी थी, नहीं यार पागल हो रहा है यार, बड़े भाई की तरह मैंने बड़ा भाई बात होकर सारे देखने का कितनी मोहब्बत से बात करते हैं, अरे तेरी आदत यही है तू छक्का बंगाली से। मैं तो ऐसे ही बोला था चल मेरी बात सुन, वो उसमें ना चाउमीन जरूर डालियो भाई, उसमें सिरके वाला प्याज वाट डाल दो, बड़ा मज़ा आता है यू नो। तो मैं निकाल के ले लेता हूँ जो मेरा मीसना कैरेक्टर था, तो वो एक इमोशनल लाइन थी जिसको अगर वो एक लाइन होती तो मुझे लगता सरलता भी पहुँच जाती, पर वो नहीं यार मुझे स्पून फीडिंग मिली। फिर एक सीन और था जिसके अंदर वो सरदार सिप्पा से लड़ता है अभी और उसके यहाँ वाइन गिर रहा है कट, उसके बाद सीन होता है वो गाड़ी वाड़ी में लगे मर्सिडीज मसाले पेट्रोल डलवाते नहीं है ये जो भी सीन है अलग बेट डिपोमेंट है कट, हम दिखाते हैं गोगी भाई के पास तेरे पास सीन गोगी भाई के पास हम लोग बैठे हुए हैं और गोगी भाई कहते हैं अरे वाह मेरी जान कैसे उड़ा लाया तू, कहते गाड़ी तो ले आया टी वी क्यों ले आया? वो बोलता है कहते टी वी मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो गोगी भाई आपके लिए ले आया मैं, कहते हैं बड़ा आगे जाएगा बहुत आगे जाएगा मेरी। अब ये सीन है फिर लेकिन उसको देख के वो बोलता है बड़ा आगे जाएगा, ये क्या हुआ तेरे को ये क्या? तो मुझे लगता है कि सिप्पा की पिटाई लगाई है तो पता ना चल जाए तो मैं बोल वहाँ मैं ये बोलता हूँ ये सीन डाल दो सीन कि कुछ नहीं वो भल्ले खाए थे ना सोट गिर गई हुई सोट, तो मैंने डाल दिया उस समय उतार शर्ट शर्ट उतार शर्ट बाप के होते हुए साले गंदी शर्ट पहने का और वो अपनी सिर की शर्ट उतारता है दिस इज आवर लाइफ पंजाबी फादर था बड़ा यार इसको ओए दूसरी शर्ट है। तो ये एक चीज थी वो कि नहीं 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 पॉइंट, तो कभी कभी आप अपनी भूख के लिए सिंपलिसिटी, मैं इसके खिलाफ हूँ चाहे वो मेरी फिल्म है और मैं बहुत ही सच्चाई से खिलाफ हूँ इस चीज़ के कि सबसे पहले आप सिंपल चीज़ों को कम्युनिकेट कर दो, इसके बाद जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेशन लोग लेते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंपलीफाई। सिंपलिसिटी जो है सबसे मुश्किल चीज़, तो मैंने बोला मैंने कहा नहीं दिवाकर ये दो सीन दे देते स्पून फीडिंग ऐसे खिला देते, माँ भी खिलाती यार बच्चों को सिनेमा है ना अपनी दिल खिला देते अब क्या बचवा डिफरेंट है। मैं उसके खिलाफ था कि क्यों इन सीन्स को काट रहे हो शूट करने के बाद में, फिर रीशूट में हम लोगों ने इसको थोड़ा हिंट नहीं दिया। एक सीन था जिसके अंदर वो कार को पूरी की पूरी लाइन मार के चला जाता है, वो सिर्फ कैरेक्टर लकी का था कि तूने मेरे से बदतमीजी की ना सिर्फ जैसा सीन। अगर आप मेरे से बी सी डी लोगे बी सी डी है मेरे पास जो दिल्ली में रिलीज जिस दिन हुई थी उससे एक दिन पहले मेरे घर पे आ गई रिलीज, यानी गोवा फेस्टिवल में चली और रिलीज नहीं हुई थी कसाब ने अटैक किया था उससे पहले मेरे घर पे रिलीज थी और उसमें वो पूरे सीन और रिलीज डी वी डी में जिनको राइट सीन से नहीं है पर बी सी डी में सब सीन वाला भी दूंगा आपको इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपकी राजन है जब बात हुई तो ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई मैंने 7-8 बार जो है गांधी का कैरेक्टर किया और गांधी एक नेशनल कैरेक्टर है तो 7-8 बार जब मैंने अलग अलग लोगों के साथ किया तो हर आदमी का गांधी को लेकर अलग परसेप्शन। तो एज ए एक्टर जब आप किसी एक्टर के साथ काम करते हो पहले आप रोल पढ़ते हो आप अपना पहले उसका परसेप्शन समझते हो फिर आप अपना कुछ उसमें ऐड करते हो डिलीट करते हो जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो डायरेक्टर कह रहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा या आप एग्री नहीं कर रहे हैं या आप जो बोल रहे हैं डायरेक्टर नहीं एग्री कर रहा तो कहाँ एक्टर जो है इसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेगा ये भी किस तरीके से मैं कुछ क्या कर रहा हूँ। एक्टर बड़ा बेचारा है खुद की भूल ना करना बट स्टिल यू डू थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मेरे ख्याल ये सवाल जो है मुझे जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम करने का भी करना काफ़ी फ्लेक्सिबल मिला पर जैसे फंस गए वहाँ में
एक सीन का उदाहरण देता हूँ। एक सीन में जब हमारी सब उम्मीदें खत्म हो गई, हमें पता चल गया कि ओम शास्त्री के पास कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, तो एक सीन उसके बाद का जो था, इसका रास्ता यही है, खाने में ये खा लो और कल सुबह तो आप अली भाई के पास चले जाओ। कौन है अली भाई? हमारे धंधे के सीनियर थे। तो ये कर लो वो कर लो, और वैसे तो उनको लगता है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, पर किसी को क्या पता हमारे पास सीन है। एंड आई रिटर्न आइडिया, ठीक है। अब वो आइडिया आना और उस सीन को उस आदमी का के आगे पूरे पूरे डायलॉग के सीन को और पढ़ना, जो मुझे लग रहा था कि वो डायलॉग पूरा सीन होना ही चाहिए। उसके बाद ये था कि सर आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, समझो आपके पास कुछ नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, पर इनको नहीं पता मेरे पास कुछ नहीं है। तो देयर वाज दैट काइंड ऑफ सीन। तो मैंने कहा सर अगर हम यहाँ से जम करके सीधा यहाँ आ जाते हैं, कि मैं इसको बताता ही नहीं हूँ, मैं सीधा कहता हूँ कि भाई सबको जाके बताता हूँ, तो ये सीन की इंपॉर्टेंस भी रहेगी, पर मुझे यहाँ एक्साइटमेंट लेवल मिलेगा। तो उसको ये समझ आया, डिस्कशन के लेवल पे समझ आया। तो यहाँ वो तो मान गया, लेकिन जब हमने पूरा शूट किया तो वो सीन डायरेक्टर को दिमाग में खतर आ गया, वो सीन मैंने बड़ी मेहनत से लिखा था, इसको लेके आना चाहिए कि कैरेक्टर को। तो उसके ऊपर वो पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट और पूरा प्रोसेस आया, कुछ आधे घंटे तक ये रहा कि या तो आप मुझे कन्विंस कर दो सर या मैं। तो मुझे अपने राइटर को स्विच ऑन करना पड़ा, तो मैंने बताया कि सर इसको ऐसे कर लेते हैं, एक लाइन में सिर्फ ऐड करता हूँ यहाँ पे, एंड मेजर नी, यानी मैं ये आपको नहीं बताता हूँ कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं खुद को ही बताता हूँ मैं स्मार्ट हूँ। एक लेवल मुझे मिलेगा एक्साइटमेंट का, मैं भागता हूँ और आप सुन लेते हो ये फिर मत करो। तो पूरे सीन को काट के सिर्फ इतना लिखा गया कि यार मेरे अन्नी, मेरी छोड़नी, मेरे अट्ठन्नी, मेरे बाबा ने मेरी जान के टोटे थोड़े बड़े थोड़े छोटे। तो ये अपने आप ही कहीं से निकला और ये रिहर्सल में निकला और वो कन्विक्शन पॉइंट आ गया। तो क्या है कि जो जिद्दी डायरेक्टर है वो तो नहीं मानेगा, तो आपको जो आपने बोला वो करना, लेकिन अगर ज़रा सी भी गुंजाइश होती है तो फिर थोड़ी दिक्कतों के बाद मामला सॉल्व हो जाता है। ये एक्टर्स के लिए तो हो, पर उसके लिए डायरेक्टर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसमें हमारी किस्मत ये अभी तक मिले हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है प्रिपरेशन को बहुत मानते हैं, कोई एक्टर जो है बहुत सारे जो बेहतर एक्टर हैं जो थोड़ी थोड़ी पढ़ी हैं, उन लोगों ने हर आदमी कुछ कुछ प्रिपरेशन अपनी करता है, टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन, कि भाई आपने कोई रोल परफॉर्म करना आपको लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है कुछ है इसके अंदर, तो प्रिपरेशन कहाँ तक हेल्प करती है? जब आप प्रिपेयर करके जाते हैं या फिर जब आप स्पॉन्टेनियसली जाते हैं? मैं तो प्रिपेयर नहीं करता, मैं तो अपनी चीज बोलता हूँ, मुझे वहीं पर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ बेहतर होता है, और फिर फ्लोर पे जाकर ही पूरी साइंस की तरह एक्शन रिएक्शन पर फंक्शन होता है। बेसिक इंटेलिजेंस तो आपको चाहिए, कहीं ना कहीं आप शार्पली कनेक्ट भी कर लेते हैं कि हाँ यार इस कहानी को मैं समझ रहा हूँ, इस कैरेक्टर को भी मैं समझ रहा हूँ, आई गो एंड आई रिएक्ट ऑन दिस। और एक जो बेसिक बेसिक रन थ्रू कह लो या एक स्मार्ट रिहर्सल जो होती है उसी दौरान हम लोग कर लेते हैं। पता नहीं आगे कभी गांधी का रोल ही मिल गया, गांधी की आप बात कर रहे थे तो उसका प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, फिर आपकी तमाम चीज़ें हैं पढ़ाई लिखाई कोच एक्टिंग थिएटर सब कुछ को मद्देनजर रखो, गांधी को समझने के लिए उसके इज्जत को समझने के लिए तो फिर करना ही पड़ेगा। अभी तक तो मैं जस्ट गो एंड गया, और थोड़ी मेमोरी भी अच्छी है यार, थोड़ा मुझे मैं बोली याद कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ थोड़ी सी इमोशनल जर्नी थोड़ी शायद अच्छी है। तो ये तीनों चारों चीज़ें एक्टर के लिए होती हैं, मेडिकल एक्टिंग कोर्स के अंदर मेमोरी का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंस है, सिर्फ डायलॉग मग करने के लिए नहीं, थोड़ा अपनी जर्नी को समझने के लिए उस कैरेक्टर की जर्नी को समझने। तो बार बार पढ़ पढ़ के शायद हमें तो समझ आता मेंटेलिटी
क्या देखो क्या होता है, पहले तो यहाँ पर राइटिंग कोर्स होगा ना, यहाँ डायलॉग राइटिंग कोर्स तो होता नहीं इस पूरे के पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी डायलॉग राइटिंग कोर्स नहीं है। जो भी होता है वो पूरा राइटिंग कोर्स होता है, क्रिएटिव राइटिंग कोर्स होता है। तो मुझे भी नहीं लगता कि डायलॉग राइटिंग कभी कोई चीज़ हो सकती है। अगर आपने पूरे सीन को ऑब्जर्व, सीन को आपने इमेजिन नहीं किया, विजुअलाइज नहीं किया, सीन लिखा जाता है और फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरी फिल्म में लकी है क्या। तो डायरेक्टर को ये पता होना चाहिए कि अभय देओल जो लकी का रोल कर रहा है वो लकी है क्या, तो उसकी कैरेक्टर का स्केच बहुत क्लियर होना चाहिए। फिर सीन्स उसको इमेजिन करना, जैसे मुझे, मैं उदाहरण से ही दे सकता हूँ कि मेरे लिए प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। कि मुझे एक सीन मिलता है कि यार वो कभी कभी होता ना, मतलब छोटी उम्र के बच्चे को एक बड़ी उम्र की औरत सब्यूज करती है, और हम सबके साथ होता ही। तो यहाँ पर क्या मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बचपन में जो है वो लकी बड़ा चोर था, चोरियाँ करता था, और बड़ा सीधा लड़का था, इन मामलों में नहीं था। बस ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप डायलॉग कैसे लिखें, सवाल तो यही, डायलॉग कैसे लिखें। आपके पास ये डिस्क्रिप्शन है कि मुझे यहाँ एक ऐसा सीन चाहिए मुझे कि, तो अब वो कैरेक्टर क्या, बच्चा क्या है वो मुझे मालूम है क्योंकि वो लकी है, माँ क्या है वो भी मुझे मालूम है। तो अब वो दोनों क्या करें, तो मैं अपनी कहानी अपनी ज़िंदगी से कुछ बताता हूँ कि ये कि मैं अपनी ज़िंदगी से इमेजिन करके उस सिचुएशन को। तो मैं एक समझदार आदमी हूँ, मैं इस भाई को, आपका नाम क्या, मनीष, मनीष, मैं मनीष को जाके बोलता हूँ कि मनीष यार ऐसा होता ही नहीं होता, या मैं किसी से भी पूछता हूँ सब बोलेंगे कि हाँ होता है। तो कोई अपना किस्सा सुनाता है उसको मैं लिख लेता हूँ, तो डायलॉग्स कब बनते हैं। अगर सीन का डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया तो आप अपनी इमेजिनेशन से उसको एक सीन देने की कोशिश करें, एक डायलॉग के साथ लिखा हुआ सीन। तो मुझे याद आया तो मैंने उसको ये बताया दिवाकर, मैंने दिवाकर एक बार मैं पुराने दिल्ली में जब रहता था तो मेरे पड़ोस में एक सरदार खान मिला, और सरदार खान फैमिली में से एक आंटी थी और आई वाज असिस्टेंट, तो वो जब भी मेरे को मिलती थी बोलती थी ऋषि कपूर लगना है, ऋषि कपूर लगना है। वो मेरे को कुछ अजीब सी गीली सी होती है ना मट्टी, मतलब छठी की उम्र में बहुत ही इरिटेट करती थी। तो एक दिन कुछ उसने मेरे को बोला, एंड शी वाज प्रेग्नेंट आई थिंक, मैंने बोला कि जाओ ऊपर से बनियान उतार दे, एंड हम बच्चे थे हम छत पे चढ़ गए। मैं गया और मैंने देखा कहीं बनियान थी, तो उसने कहा हमारे वाली बनियान गई वाली। तो मुझे वो उठा के वहाँ तक देने में मेरी छठी के बच्चे की, आप अपने आप किसी छठी के अपने भतीजे भतीजे को देखो और उससे ये काम करा हो तो मेरी तो जान ही निकल। तो अब हम देख सकते हैं उसको कैसा डार्क ह्यूमर। तो जब इस सीन को मैंने लिखा तो ऐसे लिखा कि यहाँ से बोलती है उसको बनियान दे, कहते बनियान कहाँ है, वही बेटा मेरी वाली, फिर वो उठा के देता। पर ये सीन थोड़ा गर्म हुआ, एक समाज होता है, एक फिल्म होती है। तो उसने क्या किया, फिर उसके बाद निकल हाँ, फिर वो छत से बात करके फिर ऊपर चली जाती, फिर उसको जाके बोलती है कि क्यों चाहिए तेरे को मोटरसाइकिल, गर्लफ्रेंड बिठाएगा, कुछ नहीं बोला। अब ये हम अपनी मेमोरी से बना रहे हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड बिठाएगा, कुछ नहीं बोला। फिर वो बोलती है कि मुझे बिठा ले, वो बोलता है कि थूक निकल जाएगी टायर की देखने के बाद। तो ये जो हंसी आ रही है एक्चुअली ये सिंपलिसिटी से कम्युनिकेट करने की आर्ट थी, हालांकि वो सीन कितना गंदा है। हम अगर अपने बचपन को लेके आए और देखें कि एक बड़ी उम्र की औरत जो स्टेप मदर है वो एक बच्चे के साथ ऐसा कर रही है, तो इससे ज़्यादा शर्म सा सीन कोई नहीं। और उसके डायलॉग के अंदर
डायरेक्टर बोलेगा आपको कि हाँ ये ब्लैक हो रहा है यार, और ब्लैक हो रहा नहीं, मैं नहीं करूँगा शूट. बट फॉर मी दैट वॉज कि नो दिवाकर इज अ गुड गुड सीन. तो ये फिर ऑन द सेट्स ये निकला था कि धूप निकल जाएगी टायर की, ऑडियंस ने रिएक्ट किया. फिर उसने उसको पास आकर बोला मुझे बिठा ले, कहने का भूमि निकल जाएगी. कहते क्यों मुझे कांटे लगे हुए हैं. तो ये हमारे पंजाबी में होते हैं साढ़े को भी आ जाकर कहीं कंडे लगे थे. तो ये वहाँ से मैंने उठा के यहाँ कॉपी के कंडे लगे लगे कहते हमारे में बोलती है कोई, हमारे को भी जफ्फी मारेगा ना, हमारे को कांटे लगे कोई, वहाँ से उठा के उसको किया. तो मेरा मकसद ये था कि वो सीन आए और उसको मैं कितना हल्का कर सकता. फिर ये बोला उसने, पर जिससे दिवाकर बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था कि मेरी बमियान पकड़ा, उसको वो डाल नहीं पाया. तो वो फ्रेम में बैठा हुआ था और वो खड़ा हुआ और उसने उस आंटी को जाके बोला कि आप ना ये जो ब्रा है ना इसको सिर्फ फोल्ड करते हो. एंड उसने सीन के अंदर सारा कन्वर्सेशन जो है वो किया है और वो सिर्फ ब्रा फोल्ड करते. तो इफ यू सी दैट सीन वाज रियली अजीब बट पीपल लाफ्ड एट इट. तो वो डायरेक्टर के साथ मिलके पूरा का पूरा सीन लिखा. आप सीन को पढ़ के लिख नहीं सकते. अगर अच्छा लिखना है तो आपको कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए. अपने स्ट्रक्चर और स्क्रीन प्ले में सो कॉल्ड स्क्रीन प्ले राइटर जो होते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये इमोशनल सिचुएशन या ये कलर मेरी कहानी का ये अब आएगा और अब बताओ हम इसको करें. तो डायलॉग राइटिंग एक्चुअली कुछ होती नहीं. वेस्ट में डायलॉग राइटिंग नहीं होती. वेस्ट में किसी भी फिल्म में लिखा जाएगा रिटन में. तो इस सीन में डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट ये था, एक्टर और राइटर मनोज ऋषि चड्ढा ने इमेजिनेशन से अपनी ज़िंदगी का एक सीन निकाला उसको और एक मिनट के फाइनल ड्राफ्ट में उसे लिखा. जो शूट हुआ तो मात्र 42 सेकेंड का. तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है. हम डायलॉग राइटर बनना चाहते हैं ये मुश्किल है. हम क्रिएटिव राइटर बनना चाहते हैं आई थिंक ये एक कोर्स का हिस्सा होना चाहिए. हम बड़े होकर डायलॉग राइटर बनेंगे इससे ज़्यादा शर्मसार चीज़ कुछ नहीं होती. आई हैव अ फिल्म फेयर अवार्ड एंड आई हैव, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ क्योंकि एक नई जनरेशन है. और ये मैं मुझे जिस दिन मिला था उसके बाद के इंटरव्यूज आप देखोगे मैं कहूँगा ना तो मुझे इसके साथ नींद आएगी क्योंकि मुझे मैं इसको इमोशनली सीन को सुना रहा हूँ. व्हाई आई एम गेटिंग दिस टेक्निकल अवार्ड, टेक्निकल अवार्ड गोज टू मनोज. आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन एट ऑल. आई डोंट नो हाउ टू एडिट मोबाइल फोन. आई डोंट नो हाउ टू, अभी भी मेरे को नहीं मालूम है यार क्या है. मैं फेसबुक भूल जाता हूँ कैसे बोलूँ. तो मैं तो इमोशनली लिख रहा हूँ. तो एक स्ट्रेंथ पता चल गई कि इमोशनली विजुलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, टेक्निकली लिखना पड़ेगा. तो शायद जिन तक पहुँचता है वो टेक्निकल है, पर इमोशन तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, डायरेक्टर और उसका राइटर. और टाइटल आपको डायलॉग राइटर, तो वो कहानी है कि आप डायलॉग राइटर बन नहीं सकते. आप सारा का सारा सीन की इम्पोर्टेंस और कैरेक्टराइजेशन को बेहतर ढंग से समझाने वाला डायरेक्टर ही आपसे एक लैंग्वेज दिला सकता है. नहीं तो डायलॉग राइटिंग कुछ होती नहीं. ना तो मेरा जैसे सर की इमेज में वो चार लड़के होते हैं, लड़की की टाइप से लगती है. हाँ से लड़की करती है तो इसका फ्रेंड बीमारी होता है, वो कहता है कि मेरे से निकल पड़ी छुट्टू करके. तो वो छुट्टू करके थोड़ा फनी सा लगा, लेकिन वो आया कैसे उसको क्या समझ. यार वो मेरी भाषा थी, मेरी अपनी भाषा है. तो हम लोगों की बहुत भाषा है, बहुत हम चीज़ें शूशा नहीं शूशा करके शूशा करके. तो शूशा जो वर्ड है वो शायद मैं इस्तेमाल करता था और वो वहीं से आया है. इतना ही सिंपल, उसकी कोई कहानी नहीं है. शूशा तेरी तो शूशा हो गई, अब तेरी लाइट हो गई. ये क्या है लाइट होगी, क्या होगी, दिस इज वन लाइट हो नहीं तेरे को लाइट हो गई. तो शूशा एक साउंड था तो शूशा निकल आया. और क्योंकि हम शूशा बोलते थे और शूशा इज अगर इफ यू विल यू जस्ट सेट विद एन इंटेलेक्ट एंड इफ विल सेट विद एन इंटेलेक्ट विद एन इंटेलेक्ट और शूशा उसके मायने अपने आप दिखने लगेंगे. शूशा हम लोग सड़क पर जो भाषा बोलते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर रही है. पूना के अंदर महाराष्ट्र में कहीं
या वहाँ पर लोग अचानक बात करने लगे कि यार वो बंदा बड़ा सही था यार, वो सो कूल, अब वो ही वो सो कूल सो मुंबई पर बंदा दिल्ली का है, हम दिल्ली में सवाल करते हैं बंदा हुआ या बंदा है तो खुदा के बंदे से बंदा निकला हुआ कुछ, पर वो इस्तेमाल हो रहा है ना ये है शूशा, वो कहीं से आया नहीं है, शूशा इज दूसरा पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये कैरेक्टर ऐसे ही बंगाली मैंने ही प्ले किया था तो ये ऐसे ही होता, पर दिवाकर का एक डिस्क्रिप्शन था कि वो कैरेक्टर ऐसे नहीं होते हैं जो हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अब तुम गरीब लाओ तो तुम्हें लगेगा कि तुम तो 2000 भी लाए हम तो 200 में ले आए, लोगों में आदत होती है, तो वो कैरेक्टर था कि तुझे पता है मर्सिडीज़ बेटे शून शाह शीशा ऊपर शून शाह, वो उसका एक तरीका था बात, तो वो दिल्ली के लोगों की भाषा होती है, आपके पास भी बहुत होगी कुछ अगर यहाँ राइटर्स हैं तो कुछ होगा जो यूनिक होगा या नहीं भी होगा, अब सारा अवार्ड मिल जाता है या फिल्म थोड़ी सी नामी हो जाती है तो अब मैं बोलूँ शूशा के कुछ शूशा के पीछे कुछ है ही नहीं, क्या जर्नी होता हो यार शूशा के कुछ है ही नहीं जर्नी, हाँ जर्नी मेरे से सीन्स में पूछोगे तो मैं कहूँगा कि हाँ जर्नी कहाँ होती है, कुछ सीन्स के अंदर लगता है कि हाँ ये मेरी मेरी मेमोरी में आया, या एक सीन में डिस्कस करूँगा कि तू मेरा डॉग है तू मेरा कैट है ना टाइगर है, होगी तुम्हारा टाइगर है, स्टार्ट फ्रॉम टाइगर एंड देन फाइनली ब्रिंग टू द डॉग एंड कैट, तो वो जो सीन था वो मुझे उसका भी यही डिस्क्रिप्शन है कि वो होते ना ऐसे बदमाश होते हैं जो प्यार भी करते हैं और मतलब ये वैसा सही है, एंड दिमागर नोज अबाउट दिल्ली वन ब्रॉट अप इन करोला, तो मेरा अपना बड़ा भाई जो है जिसकी पालिका बाजार में दुकान है, कहानी मुझे क्यों याद आया और मैंने क्यों लिखा ये अभी भी मैजिकल है, और ये इसमें कोई इंटेलेक्ट नहीं है यार क्या सेटिंग आई डोंट नो, और मुझे ऐसे ही याद आ गया क्योंकि मैं अपने भाई को एक ग्राम मैंने इमेजिन किया था कि माई ब्रदर इज गोगी भाई, वाइट कपड़े जो पहने हैं उसने वो मेरा भाई पहन था, अभी भी आप जाओ पालिका बाजार में 6 नंबर में और वो वहाँ बैठा होगा और वाइट जूते वाइट मक्खन जीन्स और वाइट शर्ट, ये बहुत रिफ्यूजी जब उन्होंने कसम खाई थी अमिताभ बच्चन की तरह कि एक दिन हमारे पास पैसा आएगा तो वाइट कपड़े पहनेंगे, ये मेरे भाई का विजय बच्चन, वो विजय उसने वो टाइम देखा हुआ है कि सारे हम खाने को नहीं वो नहीं एक दिन मैं कुछ खड़ा करूँगा, और वो मेरे भाई ने बोला था एक बार डायलॉग बोला था ये बात मुझे आज भी याद है इससे काफ़ी बड़े कि एक दिन याद हो गया यहाँ से कनॉट प्लेस से पाली बाजार तक तेरा भाई जाएगा चलान नहीं काटेगा रेड लाइट क्रॉस करेगा लोग कहने से ये सच है, उसने वो करके दिखा दिया, तो विजय बच्चन यही है ना कि यहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी भाई याद है तुम्हें, आज हमारे पास क्या है मेरे पास ये है कल मेरे पास कहा वो ऐसा उसके पास भी है ये मेरा विजय बच्चन है, तो वो मेरे भाई ने क्या किया एक और दूर का रिलेटिव पंजाबी में ये कल्चर होता ना कि दूर का कोई रिश्तेदार जो गरीब है उसको आप स्टैंड कर दो आप उसको कुछ काम दे दो कुछ कर दो, तो मेरे भाई ने क्या किया ये किसी रिलेटिव को जो हमारे चाचा ही रखते हैं इसको अपने यहाँ नौकरी पर रखा और 6-7 दिन तक उसने काम किया, फिर वो कहता है कि मैं भैया आपके पास हमेशा के लिए काम करूँगा और मैं रेगुलर सिखाने के बाद वो कुछ 6 साल तक काम करता, 6 साल के बाद एक दिन वो 1 महीने के लिए गया घर बनवाने में कि मैं 1 महीना नहीं आऊँगा घर बनवाने, हमने कहा चलो ले ले यार घर बन रहा है उसका, 1 महीने के बाद वो एक कार्ड लेकर आया कि भैया नमस्ते भैया मैंने साथ में दुकान खरीदी, मेरा भाई शॉक कब खरीद ली जा रोज आता होगा मीटिंग करने मेरी 6 नंबर तुमने 9 नंबर दुकान खरीद ली कैसे खरीदी, और पंजाबियों में यार इस दिल्ली में कहो दिल्ली में खास कहूँगा और दिल्ली पंजाबियों में कि साढ़े जितना हो जाए साढ़े मत ही ना हमारे जितना हो जाए हमसे बड़ा मत, तो मेरे भाई को कुछ और हम भी साथ में हेल्प करते थे उसकी दुकान दुकान पर बैठते थे, एक और मेरा भाई हनीमून पे गया तुम कि चलो यार अब जाओ पूजा हो जाए परसों चले जाना साथ में मैं माई मैन जाऊँगा सारे धोखा दिया मैं बताया क्यों नहीं हम आई नहीं इसके, खैर वो किसी तरीके से मेरे बड़े बाबा ने घूम दिया नहीं थे वो जाना चाहिए मार्केट में कोई उसका मेंटर, मेरा भाई वहाँ पहुँचा नहीं है वहाँ पहुँचा और पूजा हुई हमारे चाचा भी थे दिमाग में उसके ये भी था कि मेरे साथ ही काम कर रहा था आज मेरे बराबर हो गया, कट गोगी भाई को लगा कि सारा मुझे सामान बेचता था आज किसी और को बेचने लगा
गुप्ता को कट मेरा भाई यू नो दिस इज व्हाट इट हैपेंस एक्चुअली मेरा भाई वही जेलिस फैक्टर उसका वही जेलिस फैक्टर होगी का है मतलब तो मेरे भाई ने ये बात बोली थी साले याद रखियो कि हमारे बी सी आर बेच के लेके हम इसको भी वेंचर पेज दे गांडू कैट है तुम्हारी तुम्हारा डॉग है याद रखियो रामी वेंचर दुकान दी थी वेंचर बताया भी तूने आता रहियो दुकान पे एंड फाइनली यही लड़की वो उसको हिट कर रहा है कोई ऐसा नहीं कर रहा था उसको उसको ऐसे कर रहा था एंड यू हिटिंग हिम ना यार वीर की हो गया पता नहीं सारे मैं मारता मैं जो कहते तो लाड में समझाया हूँ उसको मेरे भाई ने उसको काम नहीं करने दिया आज तक काम नहीं करने दिया कि उस दिन तूने ऐसा अभी तक ये है कि अगर वो यू रोट में वो इन सेनेटिक वे यू स्टार्टेड विद अ प्रेजिंग हिम तू मेरा टाइगर है यू स्टार्ट फर्स्ट टेक हिम अप एंड देन स्लोली यू ब्रिंग हिम वेयर एक्चुअली यू बिलीव इट फॉर यू तू मेरा डॉगी है वही है कि तू ये मार्क मान ले तू फाइनली यू आर अ डॉग हां और वो उसने पहुंच हुए कि झूले 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 यार लक्की क्या कर रहा है यार बड़े भाई हैं यार मुंह झूले मैं अपनी जान बचाने में लगा हूं सोने का उसने भी छूने और मैं आऊं आऊं कर आऊं आऊं उसको कहते पैरी बना हर पैरी बना तेरी गर्दन झुक जाएगी नीचे तुम मोदन छूले और लक्की क्यों कर रहे हो वो इंग्लिश वो उसको बर्दाश्त नहीं फिर ये उसके नेक्स्ट सीन में मूवमेंट से पूछता है तो बंगाली है मेरे तो नहीं बंगाली नहीं यार ऐसे मेरा बाप को अरेस्ट करा दिया था कलकत्ता में तब से वो बंगाली बन गया धरना दिल्ली दी एंड दैट व्हाई दिस थिंग हैपेंड मैं और अब ये चीज़ें होती हैं कि आप फन जोन में आ गए फन जोन मतलब आपको कहानी समझ आ गई कैरेक्टर समझ आ गई एक बताओ ऐसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था दिवाकर मैं पटना नगर में ना हम कोई आठवीं में थे सातवीं आठवीं में थे और मुझे एक टिक्की वाले की दुकान दिखी कोई था नहीं तो मैं और मेरे दोस्त ने टिक्की उठा ली वहाँ से और चटनी डाली ब्रेड में लगाई टिक्की और भाग गए अगले दिन फिर आकर हमें समझ आ गया कि 5 बजे दुकान लगा था 3:30 बजे तक ना कोई होता नहीं है यहाँ पर होता है मतलब इधर उधर गया होता है कभी आलू लेने अंदर कभी हम टिक्कियाँ चुराने लगे लेकिन उसने हमें पकड़ लिया पीछे से अब पकड़ लिया उसने मुझे और उसने लगाई पिटाई बाहर पहुँच गई गली तक अब गली में लोग मुझे कहने लगे टिक्की मेरा घर का नाम टिक्की है मेरे को समझ नहीं आया कि मेरी चाची वगैरह भी मुझे टिक्की बोलती है मेरे दोस्तों ने एक छेड़ डाल दी ना तो दिल्ली का एक बड़ा हिसाब है कि एक आदमी लूडो चुरा रहा है ऐसे ही था हमने उसका नाम लूडो रख दिया वो एक दुकान से लूडो चुराने गया हमने कहा लूडो हाँ भी लूडो इधर आ अब वो दो बच्चों का बाप है बैंक में नौकरी कर रहा है तो हम बोलते हैं लूडो तो बच्चे बोलते हैं आपको लूडो भी बोलते हैं मेरे साथ यही हुआ तो टिक्की ऐसी छेड़ बढ़ गई तो क्या करें दिवाकर मैं बोला कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा क्योंकि तुम बोल तो नहीं रहे ना बंगाली कैसे पता चलेगा लोगों को बंगाली हो एंड दैट वाज ही हिमसेल्फ उसको लोग बंगाली बोलते थे पर दिवाकर पंजाबी बोलते तो क्लेम वो बोलता भी है कि अपना मॉडल भी पंजाबी तो ये सब चीज़ें थी फिल्म के अंदर तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट आ गई इसके अंदर ये हम करेंगे ही कभी तो किस्सा सुनाया और वो तब्दील हो जाता था तू मेरा डॉग है तू मेरा कैट है यहाँ मुझे एक टूल मिल गया था कि बहुत सी कहानियाँ बहुत से किस्से आपके जहन में आपको कहना पड़ेगा कि आप राइटर हैं आपको वहीं से कहानियाँ ढूंढनी पड़ेंगी और लिखेंगी और वहाँ से मुझे लगा उससे पहले तक मैं एक स्ट्रगलर एक्टर हूँ मेरी हर कोशिश सीन को अच्छा लिखने की होती थी पर राइटिंग के लिए नहीं और सीन को लिखने के लिए नहीं सिर्फ डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए कि कम से कम इसके अंदर सिप्पा का रोल तो दे देगा मैं सरदार बड़ा अच्छा लगूंगा और मेरी फेसबुक पे फोटोग्राफी में बार बार आगे करता है तो वो मेरी चाह तो समझ रहा था पर मेरी कोई इच्छा नहीं थी मैं तो चीज़ें पर उस दिन मुझे समझ आया कि नहीं यार तुम्हें राइटिंग करनी चाहिए मुझे पहली बार उस दिन समझ आया कि राइटिंग की जा सकती है अगर तुम्हारे पास पिछला खजाना बहुत है वहाँ से शुरू हुआ कि मैं सौरभ शुक्ला और पीयूष मिश्रा जैसे लोगों के साथ उठा बैठा हूँ तो मुझे एक चीज़ बोलते थे कि मुँह में पेन लगाना कोई भी किस्सा जो सुनाता है सुना के एक्टर की तरह रिहर्स कर सुना फिर उसको लिख दे मैं जो भी किस्सा सुनाता था उसे लिखता
और सुनाते और लिखते समय कुछ चेंजेस होते जो इंडस्ट्री में. तो रिहर्सल वन ऑफ एन एक्टर नरेटर स्टोरी, रिहर्सल टू वन. मैं आज भी हाथ से लिखता हूँ, लैपटॉप खुलते ही मेरी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. यह सब कुछ मेरे पास लगता है. आईपैड भी हूँ, मैं मीटिंग करने जाता हूँ तो आईपैड आगे रख देता हूँ, लैपटॉप खोल के बैठता है जरूरी क्योंकि वो मेल्स भेजते हैं. पर मैं लिखता अभी भी अपने ए फोर साइज के पेपर पर, और वो एरिस्टोक्रेट की अटैच थी जिससे बॉम्बे बहुत ज़्यादा लेकर वो मेरा टेबल है और बैठता हूँ, मैं सीधा बैठ के लिखता हूँ क्योंकि वही उसी पर पढ़ाई की है, उसी पर किताब स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. फिर मेरे कुछ असिस्टेंट होते हैं जो कुछ 18-19 साल 20 साल के शार्प लोग होते हैं, वो उसको टॉयलेट में डालते हैं, कनेक्ट करता हूँ इमोशनली. और तो वहाँ से मुझे समझ आ गया कि मेरे पास शायद 7-8 कहानियाँ हैं अभी तक जिनको मुझे सुनाने का कैसे मालूम है, या तो ऐसे या नाटक करके या फिल्म. तो वो 7 कहानियाँ हैं, जब तक वो बनेंगी उम्मीद है और चीज़ें भी देख लेंगे तो मरने से पहले तक 10 हो जाएंगी. तो 7 कहानियाँ तो मेरी अभी मैं खाली बैठता हूँ तो अपनी स्क्रिप्ट, तो वो भी एक अपना क्राफ्ट होता है कि ये मुझे समझ आया कि जो आप बोलते हैं वो आप लिखने लगते हैं, शायद वो इंटरेस्टिंग है. तो वहाँ से शूशा बना, जो बोला वही लिखा बस यार. और जो सुना है वही बोला है. महेश भट्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलती है, लोग कहते हैं मेरा ओरिजिनल है, नहीं कुछ नहीं, आपने जो देखा और सुना है वो आप लिख लो, किसी का कुछ ओरिजिनल नहीं. ओरिजिनल अगर तेरा होगा तो पता नहीं तेरा कहाँ से आया होगा. इस लाइक मालूम बट हाउ डू बीव इन इम्प्रोवाइजेशन से फॉर एग्जाम्पल इन योर केस यू टुक फ्रॉम योर ब्रदर्स आइडिया आइडिया शॉप और उसने वो सब नहीं बोला बट ही सेड कि तुम कैट डॉग है. वो कैट डॉग तुमने पकड़ लिया? हाँ मैंने कैट डॉग पकड़ लिया और ईर्षा ईर्षा पकड़ ली. हाँ जो इंटरनल है वो था ईर्षा दोनों की पकड़ ली. शायद तभी मुझे परेश रावल के गोगी भाई की ईर्षा दिबाकर ने दिखाई. वो ईर्षा को मैंने अपने जीवन में अपने सगे भाई के साथ मैच किया, उन दोनों को मिलाया और वो सीन. अब उन तीनों में मुझे क्या किसी को भी अगर ये एक्सरसाइज आएगी तो याद तो वही आएगा जो क्योंकि मैंने 20 मरतबा अपने और भाइयों को या पापा को कहा. मैंने वहाँ थप्पड़ मारने लगा, कहता तो मेरा कैट है मैं समझ नहीं आ रहा था, थप्पड़ मार रहा था उसको. हाँ मैं मार रहा था थप्पड़ फिर उसे मारना. और मेरा ये भाई बड़ा ही पैशनेट कुक है. तो एक दिन घर पर कुछ वेज लोगों का खाना था तो इसने खाना वाना बनाया अपने हाथों से, तो 20 लोगों का खाना ही बना लेता. और अचानक जो है ना ये उदास सा वहाँ बैठा हुआ है, क्रिप करता हुआ कहता है तो मैंने बोला था टैक्सी का क्रेड लिया दिमाग खराब कर लेता है जो आगे मेरे कोफ्ते हार्ड हो गए. कोफ्ते में सोडा डालना भूल गया था वो हार्ड हो गए. एक पैशनेट कुक के लिए वो एक अब वो मेरे को कोफ्ते हार्ड का वो किस्सा में 20 बार सुना दिया. तो एक लाइन पता नहीं कहते यहाँ रहने दो यार डब्बी आ गई हंडा साहब यार परेशान है यार कोफ्ते हार्ड हो गए. मेरे लिए तो वो एक किस्सा है. कोफ्ते हार्ड हो गए यार आगे कोफ्ते हार्ड हो गए मतलब उनका मूड देख कितना खराब है आगे कोफ्ते हार्ड हो गए यार देख समझ इस बात को मजा ही क्या बोलेगा. फिर वो बोलता है रहने का मत खाना वहाँ पर कोफ्ते हार्ड है इंडिया में सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड. अब इम्प्रोवाइजेशन पे आया था फिल्म के अंदर एक सीन है जिसके अंदर लकी को लकी हांडा साहब को बोलता है कि हांडा साहब एक थप्पड़ मारना है यहाँ से कहीं किसी का. बंगाली को बोलता है कि बंगाली जाने मत दिए वरना तेरी टांगे तोड़ूंगा. बंगाली का खाले खाले हांडा साहब खालो खाले माले माले लकी मारने वाले हो. तो ये भी इम्प्रोवाइज नहीं था. वो भी लिखा गया था कि चलो हांडा साहब खा लो ना एक थप्पड़ ही तो है ठीक है. पर जब वो इम्प्रोवाइज कहाँ हुआ ये तो लिखा हुआ था कि अरे आडा साहब खा लो ना थप्पड़ यार ये थप्पड़ ही तो है बात टल जाएगी. पर मेरे मुझे एज एन एक्टर मुझे राइटर को जब स्विच ऑफ किया मैंने तो एज एन एक्टर सिर्फ इतना ही निकला हलो 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 माने माने लकी माने में खा लो आडा साहब हलो कि सेटिंग करा दी वो यही था ना. तो कहीं होते हैं ना हम करा देंगे सेटिंग चलो 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 सौदा खत्म करो ना आप कितने मतलब 3,32,000 3,36,000 3,34,000 साफ खत्म करो खत्म करो खत्म करोटिंग. तो अब वो कितने कैरेक्टर्स हैं यार अगर आप देखने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार ये सबको यहाँ रखकर तो आप
हमारी भाषा में एक चीज है, कंप्यूटर एंटर मारते रहो निकलता रहे, बट डायरेक्टर का आपको उस इमेजिनेशन की प्रोसेस में, उस पास में, उस ऑब्जर्वेशन के तक ले जाना, वो आपको एक कन्विंसिंग मॉक होना चाहिए। मैंने आयशा में, उन्होंने मुझसे दिल्ली निकाली, मैं क्या दिल्ली लिखूँ, यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो डिफेंस कॉलोनी को दिल्ली गए हुए, कहाँ है दिल्ली, वहाँ पर क्या लिखाऊँगा उनकी दिल्ली, आयशा में मैं क्या लिखूँ दिल्ली। हमारे लोगों मेरे को मिलने के बाद हर बार ये बोलते हैं दिल्ली दिल्ली छे दिल्ली छे दिल्ली छे, मैं क्या लिखूँ दिल्ली, आपका कौन सा कैरेक्टर दिल्ली का, कहाँ है दिल्ली, अगर मुझे जिस जिस दिल्ली के लिए बुलाया है तो मुझे तो आप जमुना पार ले जाओ, कदूर पार ले जाओ, रजौरी कांड ले जाओ, राजाकांड ले जाओ, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो, डिफेंस कॉलोनी के किसी गोल्फ कोर्स में और किसी योगा सेंटर में, तो आप बुला लो। अब वो लोग बुलाते हैं मुझे, भी बोलेगी तुमने क्या दिल्ली दिखाई है, कहूँगा क्या दिल्ली दिखाई है, मैंने तो कहा था इनको इसका नाम लॉरियल रख दो, इनका नाम लॉरियल रख दो तो ज़्यादा अच्छा होगा, आयशा बदलने की बोला तो ब्रांडिंग वाली फिल्म थी पूरी, तो कभी कभी वो भी इंतजाज करना पड़ता है यार, मतलब खाने पीने के शौकीन है तो हर तरीके की फिल्म बन गई। बाकी कौन यहाँ राइटिंग का कौन है राइटर, डायरेक्शन के लोग हैं इसमें, स्क्रिप्ट राइटिंग के पार्ट होता है, वो दो वीक का मॉड्यूल रखते हैं, वो शुरू शुरू में इससे क्या है कि पहले से ही, बट दैट राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग कोर्स इज डिफरेंट है, व्हिच यू क्रिएटिव राइटिंग कोर्स इज टोटली डिफरेंट, इस वाले बैच में हमारे पास लोग नहीं थे, तो लोगों ने ऐसा फन फील लिया, बहुत मज़ा आया, अब यहाँ तक आ गए तो इसके अब पीछे तो जा नहीं पाऊंगा, पूरी फन फील है, मज़ेदार मामले में। सही क्वेश्चन, एज अ डायरेक्टर जब एज दिभागर मैनेजर ने आपको एक आइडिया दिया और लिख लेते हैं, आइडिया उनका था स्टोरी उनका था, आप उसे नहीं लिख रहे जब आइडिया उनका था, स्टोरी उनका था, स्क्रीन प्ले भी उनका, स्क्रीन प्ले उनका, जब जैसे एक राइटर जो डायरेक्टर उसको बोलता है कि मेरा ये आइडिया मैं इस तरह मूवी बनाना चाहता हूँ, तो डायरेक्टर कितना इंटरफेयर करना था, मतलब डायरेक्टर लिख रहा होता वो बैठता साथ में हटता है, यार देखो काम उसी के साथ करो जो बैठता है, काम हमेशा उसी हुआ, तो ये एक नई अब नई जनरेशन है, पहले होता था कि आओ आपका किसी फार्मा हाउस में बंगला बुक करा देते हैं, आप जाओ लिखो, देखो जिंदगी तो 60-70 में होता हुआ है, कि राइटर सोच रहा है लगा हुआ है, अभी डायरेक्टर को साथ बैठना चाहिए, हाँ दिवाकर साथ में बैठता है, दिवाकर कंट्रोल करता है, तो वो जानता है कि देखो मैंने उसकी एक फिल्म लिखी है अभी, पर मैं एल एस जी के अंदर से स्पेशल थैंक्स भी मिला, क्योंकि मैंने वो एक कैरेक्टर को क्रिएट करने की में हेल्प किया था, बट मैं शंघाई में नहीं, तो जैसे हम एक्टर के चेहरे के हिसाब से कास्ट करते हैं, ऐसे राइटर की दिमाग से भी बात कि मनु इसमें ही अच्छा है, तो मनु को इसमें बुलाना, ठीक है। अभी और फिल्म में उलंचू उसके अंदर दिलाकर ने मुझे माल भेजा हुआ, तो अगेन वो मेरे को उसने लगे, सुधीर मिश्रा जिसने ये सारी जिंदगी लिखवाई उसने दिल्ली है, मैं जो बोलता हूँ वो मुझे समझते हैं, हमारा कोई इंटरव्यू नहीं होता है तो आप हमारे लिए लिखेंगे आपने पहले क्या किया, अब बात करते हैं डायरेक्टर और मैं 10 दिन तक बात करें कहाँ कर तू जा, तो वो जानता है कि क्या है। तो 5 साल तक एज एन एक्टर सुधीर मिश्रा ने जाना मुझे, फिर एज अ राइटर उसने कहा कि तेरे मतलब की फिल्म दिल्ली दिल्ली है, बड़ा मज़ा आया, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन ये सारी डायरेक्टर की डिमांड और सप्लाई पर आपका अपना सेल्फ होना चाहिए जिसके बिलीफ पर वो आपको मिले, तो डायरेक्टर सुधीर मिश्रा भी साथ में था, आयशा में मेरे साथ कोई नहीं था, चांस के डांस में मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ शाहिद कपूर था उसके साथ में नहीं जाते, मुर्गू सिंह को फोन करके ये बोलते ना मनु सीन लिखते हैं, डायरेक्टर का ब्रेकअप हुआ हुआ था, वो कहीं आ गया हुआ था साउथ अफ्रीका, यार मैं इफ आई नॉट कम आउट जोन नो आई नॉट बी एबल टू शूट दिस फिल्म, उसका भी तो ऐसे हो रहा था 12 दिन में आपको फिल्म लिखनी है, 9 दिन से शाहिद कपूर हैं, तो ये कोई कोर्स नहीं सिखाता, कोर्स ये दिखाएगा कि आपके पास आप अपनी जर्नी को से कनेक्ट होकर
जर्नी में सब कुछ है आपकी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन से लेके बुक्स से लेके हर चीज आपको आपकी जर्नी से कनेक्ट कराएगा। कनेक्ट कराने के बाद फिर आपको उस कैरेक्टर से मिलवाएगा जो कैरेक्टर आपको लिखना है वो है आपके पास। मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ सबके पास। फिर उससे मिलवाएगा, उससे बात करवाएगा, बात करते करते आप डायरेक्टर की सिचुएशन में उससे बात करोगे, फिर वो जो बोल रहा है वो डालेगा। और मेरे साथ तो अभी तक यही हो रहा है। और मुझे अंदर से लगता है कि अभी कुछ 4 या 5 ग्राम एनर्जी ही मेरी इस्तेमाल हुई। अभी और बहुत चीज़ें हैं इसमें, बहुत चीज़ें हैं इसमें। आपको वो आप कौन सी ट्रिक ऐसी यूज करते हो स्विच ऑन स्विच ऑफ ये वाला सीन यहाँ पे फिट होना चाहिए या और कोई चीज ऐसी हो? यार एक सीन है मेरा, मैं अपनी फिल्म में एक सीन लिखना चाहता हूँ। एक लड़का पहली बार अपने फादर को बोलता है कि मुझे फिल्म मेकिंग का कोर्स करना, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तुमने बोला अपने फादर को, जब बोला होगा ना कि मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स करना चाहता हूँ? नहीं बोला। किसने बोला होगा? किसने भी नहीं बोला होगा। नहीं, पापा को बताया तो होगा ना? बाद में बताया, एडमिशन के बाद। चलो तुम तो मान यू हैव द मनी सो यू कैन डू इट, बट दोस पीपल हु हैव, इसको बताना है एक पेन है उसमें कि बाप एक्सपेक्ट कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि तुम में से मैं 80% लोगों को क्योंकि गारंटी ले सकता हूँ कि बाप बच्चे से प्यार करते हैं इसलिए उनको बोल दे कि जो करना बेटा कर दे। लेकिन ये सतयुग नहीं आएगा कि बाप लव मैरिज के और आपके सिनेमा करने के अगेंस्ट में, मैं मान ही नहीं सकता यार। मुझे एक सीन लिखवाना है कि एक लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है और एक लड़का उसको जाके आज पहली बार बोलना चाहता है, पिछले 3 महीने से उसके बारे में सोच रहा है कि वो उसको पसंद कर। तो क्या कोई ऐसा लड़का तुम जानते हो जो ऐसा जिसने किया होगा या तुमने कभी किया हो? जानता हो वो ही है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि एक सीन मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि एक लड़का टीवी चल रहा और वो टीवी में छेद करता अंदर घुसा, ये वियर्ड चीज हो सकती है। पर वो जो मैं बोल रहा हूँ इतनी सरल और रियलिस्टिक चीज है कि तुम नहीं होगे तो तुम किसी दोस्त की जन्म हुई, कहीं ना कहीं ये सब चीजें हुई होंगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही है, मेरे को पता है, मैंने देखे, बट उसको वहाँ पे वहाँ से स्विच ऑफ किया, यहाँ से स्विच ऑन। जब मन मन को मन जब मन कहेगा तो ही होगा, मन से तो करना ही पड़ेगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ ये नहीं है कि मैंने स्विच ऑन किया, इट्स माई इन्वॉल्वमेंट एंड इट्स माई डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट एंड इट्स माई विश दैट आई हैव टू राइट दिस फिल्म, इट्स माई फील, एवरीथिंग विल गिव मी दैट दैट पार्ट। ओके, आई यूज दिस वर्ड स्पिरिचुअल पार्ट। चलो अब इसमें विषय समझ आ रहे हैं और मैं सीधा पहुंच जाऊंगा, सीधा पहुंच जाऊंगा। तो किसी ने इश्किया देखी? कितनों ने मंटो पढ़ा? तुमने पढ़ा इश्किया के अंदर मंटो था मालूम है? वही था, इश्किया में मंटो था, एक तवायफ के कोठे पर इश्क पनप रहा है और उसके अंदर एक डायलॉग आता है कि दुनिया में कहीं भी जो है दंगे फसाद हो रहे हैं तुम्हें यहाँ शांति मिल रही है, ये मंटो ने कहा था। तो हबीब के पास वो था, तेरे पास तेरी जर्नी की कहानियाँ होंगी, तेरी जर्नी में अपनी ऑब्जर्वेशन होंगी। तो पर प्रोफेशनल राइटर बनने के लिए भाई मैंने कहा ना जर्नी, अगर जर्नी खोखली है तो जर्नी तो है। हाँ, उस जर्नी मैं जब तेरे से मिलूंगा ना मैं तुझसे पूछूंगा तेरा नाम क्या है, मुझे तुम्हें जान लो, मेरे से लोग पूछते हैं कहाँ का यार तू, दिल्ली का, दिल्ली में कहाँ। अच्छा चलो छोड़ो, मैं दिवाकर बैनर्जी और अपना पहला इंटरव्यू हो रहा था, मैं
मैंने पंजाबी गाना लिखा था एक सूफी जो मैं नवदीप के लिए उसकी फिल्म के लिए फ्रूट जूस उसको प्रोडक्शन हाउस का नाम है। हाँ हाँ तो उस डायरेक्टर की मैं एक फिल्म के लिए एक मैंने पंजाबी गाना लिखा वो मैंने अपने दोस्त को सुनाया जिसका नाम है अक्षय जो म्यूजिक डायरेक्टर है और जिसने अभी अरे यार ये क्या अक्षय पैदा करने वाली फिल्म विक्की डोनर के अंदर तो विक्की डोनर के अंदर उसने म्यूजिक दिया तो मैंने उसको सुनाया और नदीप की अगली फिल्म थी चमकीला के ऊपर बनाने का था। अब वो गाना उसको सुनाया और वो दिवाकर से मिला यार मैं दिल्ली का कोई राइटर ढूंढ रहा हूँ दिल्ली का। उसने कहा मनु किसी चट्टा है पहुँच गया फोन किया उसको अभी आ जाओ मिलने में रात को 10:30 करीब फेमस स्टूडियो वही नहीं जाना वहाँ पहुँच गया बैठ गया और दिवाकर मेरे से क्या पूछता है सी इससे जोड़ा नहीं पहले तो तुम्हें बोल दिया मैंने अपने पापा को बताया नहीं तो ऐसे ही सुन लिया मजा क्या बिल्कुल क्या सुनाओगे क्या पापा को बाद में तो बताया होगा क्या रिएक्शन था उनका कुछ और पूछेंगे तो उसने मेरे से क्या चीज़ पूछी यार मनु दिल्ली में कहाँ गए तू मैंने कहा सिर्फ सिविल लाइन उसकी जान ही निकल गई सिविल लाइन जो है ना बड़ा सोफिस्टिकेटेड नहीं मैंने कहा नहीं सॉरी सिविल नहीं पहले मैं चांदनी चौक पर रहता हूँ चांदनी चौक चांदनी चौक कब तक देखने जाने हो मैंने कहा 24 साल की उम्र नहीं अच्छा टोटे देखने कहाँ जाते थे दैट वाज हिज क्वेश्चन टोटे देखने कहाँ जाते थे हम एम ब्लॉक जाते थे सरोजिनी नगर जाते थे रिया जाते थे चाणक्य जाते थे सही है पता पता है मैंने 8 राइटर से पूछा कि तुम टोटे देखने क्या जाते थे उन्होंने कहा टोटे क्या बहन का बाइबल सी गॉड नो कि आई नो व्हाट टोटा तो उसको उसने जायजा ले लिया कि ये वो बना उसने कहा कि सीन लिख के बता दे यार तो ये भेजा उसने सिचुएशन लिखी फोन पे हम बात कर रहे हैं वो बैंगलोर में एक एड शूट कर रही है और मैंने पहला डायलॉग लिखा था क्या हो गया वहाँ से बादाम लेके आए हो तो बादाम तो सस्ते होते हैं वीडियो गेम लाए हो ये सीन था उसने कहा कि चल यार तू लिखना शुरू कर दे मैं तेरे अकाउंट में पैसे डलवा दूँ तो उसका बिलीव बना दिल्ली में कार्य करता था क्या करता था क्या होता है ये होता है अब वो यार वो चीज़ें तो मेरे बहन से ही निकल रही थी ना कि अब कि भाई देख वहाँ पे पॉलिटिशियन के वहाँ पे गए थे ना समोसे के साथ दो चटनियाँ थी मीठी भी और हरी वाली भी इसे कहते हैं डिटेलिंग अरे मेरे पुलिस थाने में खाली सूखी चाय पिला रहे हैं अब ये तो मेरा अपना आ रहा है अब ये इसमें अब मैं क्या करूँगा कोई ना स्विच ऑफ करूँगा फिर या तो फिर मैं मेरा वो होगा कि मैं ऐसी बात करता हूँ मेरे सीनियर्स कह रहे थे यही लिखता चला गया पर नहीं मेरे दिमाग में स्विच ऑफ हो रहा था ये भी मैंने देखा हुआ ये भी और है यार कुछ मामला मेमोरी का है नहीं रुक जाता है सारा कुछ भी भूलता नहीं है मेरा कुछ है चक्कर हवा हवा मेरा चक्कर है पूरा का पूरा एंड द डे यू विल प्रिपेयर मेंटली पता कब प्रिपेयर होंगे तुम जब इमोशनल भी होंगे और मुझे ढूंढना इतना मुश्किल काम नहीं है अब मैं फेसबुक पर भी हूँ तुम स्विच ऑफ बहुत बेहतर ढंग से करना क्योंकि ये सवाल कभी मेरे अंदर भी था जैमिनी कुमार श्रीवास्तव को देखते हुए कि सर कैसे इतनी बड़ी बड़ी लाइन्स याद कर लेते हो मुझसे तो स्कूल के क्वेश्चन नहीं याद होते हैं सेम ही क्वेश्चन पर मैं कुछ समझ याद होता रहता और वो स्विच ऑफ ये एक्टर का प्रोसेस है You should exactly know how to switch on and how to switch off. And it's not illegal, ना कोई टक टक नहीं है। नसीर भाई कहते हैं, it's not about 100% acting and all. आप जब स्टेज पे होते हो या कैमरे के आगे होते हो, आपको मालूम होता है आप एक्टिंग कर रहे हो।
और इसलिए अनिल कपूर जैसे लोग जब भूसा मार देते हैं सामने वाले को और बोलते हैं मैं इन्वॉल्व हो गया, तो उनके हाथ में जादू नहीं पकड़ाया जाता, वो चीट करते हैं शूट में कि मार देगा आदमी। तो हमें एक्टिंग करनी है और एक्टिंग एक नकली चीज़ है जहाँ ऑडियंस सिर्फ असलियत में पहुँचा है। तो राइटिंग भी उतनी ही असली लिखी जाएगी जितनी हम ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। जैसे जैसे ऑडियंस ग्रो होगी वैसे वैसे जूतों के कलर बदलते जाएंगे। पहले काले वाइट थे डी आर फिल्म के दौरान जब तो राजकुमार की एंट्री होती थी, फिर तो ब्लैक सूट्स आए, लेकिन अब येलो बूट्स भी आए और येलो बूट्स के अंदर क्या कहानी है सब कुछ आई, तो ऑडियंस के साथ बदलता रहे डायरेक्टर टू डायरेक्टर उसकी डिमांड के हिसाब से, उसके विजन के हिसाब से। डिमांड का मतलब ये नहीं कि मुझे ये चाहिए तो डिलीवरी नहीं है, उसके विजन की डिमांड है, उसके अनुसार की करनी चाहिए। पा नहीं आ रहा है अपने आप आता है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है चलिए मैं इसलिए ना तो उठा रहा हूँ तो सच में यार ये कैसे आता है। और है सब कुछ किसी और का, मेरा एक दोस्त था राम से रूप है दुकान दिल्ली गेट में दुकान में होता है, मेरा एक दोस्त था राम से रूप है नहीं था बड़ा गर्म कोपड़ी का, आज से कुछ 5-6 साल पहले वो जेल में बंद हुआ, अक्सर बंद होता था क्योंकि मेरा दोस्त था और मैं एक फिल्म मेकर हो गया हूँ, राइटर हो गया हूँ, मैं एक्टर हो गया हूँ। पर कई दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आपको मिलने का मन करता है, मैं उनसे मिलने गया दिन यार, मैंने उसको बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं ये सब, क्या छोड़ यार तब से तो बहन जो छू भी जाऊँगा आई अब तेरी जान की कसम घर जाऊँगा, मैं ऐसे ही बोलता था घर जाऊँगा आराम से इसकी माँ की दाल में तत्ता घी डालूंगा ढोलो से खेलेगा दिवाली बहन से मालिश करेगी आराम से सोऊंगा 15 दिन फिर जवाब दूंगा क्या होगा। ये सारी जिंदगी एंड थिंग आई गॉट लाइक दिस, उसमें वो कुलदीप का जो कैरेक्टर है अरुणोदय सिंह ने किया है वो यही बोलता है, क्योंकि उसको जेल में कई लोगों को जेल में जाने की आदत पड़ जाती है क्योंकि काफ़ी ऐसे करते हैं, तो उसके लिए उसका सीन था यार मजे ही अलग है ना, तो लौंडा डोलो से खेल रहा हो भाई तेरे की मालिश कर रही हो और दाल में इतना इतना घी हो और साथ में एक फांसी की सजा वाला समझ लेते और साथ में भाई गरम गरम पीते तो वहाँ एंड हुआ सीन तो लोगों को अच्छा लगा। अब मेरे को इरफान भाई बोलते हैं उदाहरण होता है कैरेक्टर क्या है, इरफान भाई क्या है करोल बाग में पड़े हुए नहीं फिल्म के अंदर जो अरुण का कैरेक्टर है वो सुधीर भाई बोलते हैं करोल बाग का नोटा यार तेरी लड़का अपनी तरह है, मैं एक लड़की से प्यार हो गया जो साउथ एक्स की समझ ले सोफिस्टिकेटेड सी लड़की है ये वो, अब वो मसाज कराने गया है उसको इमेजिन हो रहा है कि लड़की जो मसाज कर रही है वो एक्चुअली उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो पूछ रही है उससे क्या हुआ, यहाँ ना कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो इरफान भाई आते हैं सुधीर भाई आते हैं तीनों बैठ जाते हैं, तो इरफान भाई कहते हैं कि कुछ पागल हो गया वो आदमी जो वो अपनी जिंदगी में गड़बड़ा वो कुछ बोल वो फिल्म में गड़बड़ा वो यार ऐसे कैसे सोच सकते। तो मैं अगले दिन एक सीन लिख के आया वो कैसे आया वो मैं बाद में बताता हूँ, बट वी डिस्कस वॉट दैट सीन वाज कैसा लग रहा है लपको लपको गुड्डी होती है ना ये आसमान में उड़ी होती है लपको गुड्डी की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 80 स्पीड पे नई गाड़ी में हाईवे पर निकल गया मैं निकल गया ऐसे लग रहा है, फिर थक के आया घर पे आया और मम्मी ने ना राजमा चावल बना रखे ऐसा इरफान भाई ने कहा कि अबे नहीं वैसा आपको देखा कुछ काटे चुके पता ही नहीं चला चांद भी साथ साथ चलने लगा है वो ऐसा, मैंने कहा नहीं ये तो गुलजार साहब को लगेगा ना, अगर गुलजार साहब मसाज कराने जाते हैं तो उनसे लड़की पूछती है कि हाँ भाई कैसा लग रहा है तो गुलजार साहब बोलेंगे कि बस धीमे धीमे लग रहा है जैसे सिल्क का दुपट्टा निकल रहा है मेरी पीठ से और एहसास खुशबूदार ऐसा वो तो वो निकलेंगे
पर एक चार्टेड अकाउंटेंट जो दो नंबर के धंधे कर रहा है, करोड़बाग में बड़ा हो रहा है, उसको क्या लगेगा? वो सीन कट के सिर्फ इतना हो गया इवान भाई को उस समय लगा कि क्या लिख रहा है पता नहीं। सुधीर भाई ने स्माइल किया और सीन शूट होके लड़की ने पूछा कैसा लग रहा? मम्मी के हाथ के बने मारना चाहिए। उसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स में जेएनयू की एक लड़की ने पूरा आर्टिकल कि क्या कंपेरिजन नहीं है और कितना खुशी लगा, क्योंकि पूरी दिल्ली राजमा चावल पे रो सकती है। अमेरिका चले जाते हैं ना तो मेरे भाई फोन करके कहते हैं यार राजमा चावल बड़े याद आते हैं, 2.5 साल के हो गए काम करने को, क्या तुम्हें याद आता है ना? तो ये कनेक्टिविटी तो है ना। मैं बताता हूँ कि अब क्या कहाँ से आया दोस्त। मेरा छोटा भाई जो चीकू का दोस्त, कॉलेज खत्म होते दुकानदारी में, दुकानदारी में उसे 4 साल लगाए शादी हुई। 4 साल दुकानदारी के इतने भयानक कमिटमेंट से भरे होते हैं दिल्ली में कि आप अगर दुकानदार की लाइफ में जाएंगे तो उसके पास कोई सैटरडे संडे नहीं होता, उसके पास फैमिली नहीं होती। हम कहते हैं फौजी फिल्म मेकर, आप दुकानदार का कभी पॉइंट ऑफ व्यू देखो कमिटमेंट को। बाप दुकान पर जाता है, रात को आता है, सो जाता है, सुबह क्या जिंदगी चल रही है। मेरे भाई ने 4 साल अपनी जिंदगी दुकान पर दी क्योंकि मैं थिएटर में निकल चुका हूँ, मैं सिनेमा की तरफ पहुँच चुका हूँ और जिसकी शादी होती है और वो चंबा जाता है हनीमून में, और मैं उसको फ़ोन करता हूँ अभी क्या हाल है, कहता है यार मैं 10वीं सजा यार मूवी नज़ारे माई ऐसे नज़ारे नहीं देखे मैंने भाई, ऐसे नज़ारे नहीं देखे। जून है जून पर यहाँ पंखा नहीं चलता, जून है जून, कहता मैं तेरे को भगा नहीं सकता हूँ, सुबह रात को पहुँचा ले गया पहाड़ के ऊपर कहीं भाई रात को दिखने का था, तारे वाले दिख रहे थे, ठंड बड़ी थी, पंखा हमने चलाया नहीं, सो गए। सुबह मैं उठा शीशे के ऊपर भाई फॉग ही फॉग था, धुआं ही धुआं था, मैं तो बयान नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा था इतनी शांति मिल रही थी। स्कूल से आते थे ना घर पे और मम्मी ने राजमा चावल बनाए होते थे सेम। सो माई ब्रदर हु इज इनटू बिजनेस एंड ऑल इज नॉट शायर, नो आई कैन डिस्क्राइब कि क्या होता है कोहरे से निकल के, ये वो कुछ कर लूंगा मैं, पर वो थोड़ा ना करेगा, वो तो वही बोलेगा जो उसने सबसे पोएट्री कंपैरिजन की बात। यहाँ इतनी सादगी से लोग लिखते हैं कि आपको समझ दैट वाज इंटरेस्टिंग माय पार्ट, ओके गुड इंटरेस्टिंग रिस्पांस दैट वन वैल्यू वॉच या बट सिचुएशन स्क्रीन प्ले की, वहाँ कैरेक्टर को समझना और फिर अपनी मेमोरी से भी निकालना ये ऐसे ही होता। अभी तक तो सच लिख रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस होगी नहीं भी होगी मेमोरी में तो फिर झूठ भी लिखूँगा, फिर कन्विक्शन खत्म भी होगा, पर फिर इतना क्राफ्ट बना लो अपना कि हमारे पास वो नीति होनी चाहिए। भाई अभी भी मामला मेरा तो स्विच ऑन नहीं होता, वो स्विच ऑन नहीं। मैं हमेशा मैं पहले भी एक्टिंग करता था, मैं लिखते समय भी एक्टिंग करता था, बस अब मेरा ये है कि एक्टिंग और राइटिंग दोनों में इतना बराबर हो गया मामला कि शायद राइटिंग में मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि एक साथ मेरे को अगर किसी फिल्म के 5 कैरेक्टर्स को जीना होता है तो आनंद तो उसमें मिलता है, पर और चेक भी उसी में मिलता है, एक्टिंग में भी चेक नहीं मिलता है, क्योंकि हम गरीबों के जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं हम उनके एक्टर होते हैं, ये जान लगा देंगे, तो हमें अपनी फ्रेशनेस बरकरार रखनी पड़ती है, हम उनको बासी नहीं लगते हैं, उनके पहले सपने में हम हर एक के पहले सपने में ताज़े सपनों में हम लोग साथ हैं वो, और कईयों के बासी सपने में कोई हमसे काम करा नहीं सकता, वो तो हमारी अपनी अकड़ होनी चाहिए। मैं राउडी राठौर में गुस्सा नहीं होऊंगा, ये मेरे को मान के चलना पड़ेगा, और मैं दबंग में गुस्सा नहीं खाऊंगा, और इसके लिए मुझे 2 हीरो को अपने जिंदा रखना, और भूसा तो मारेगा तो मुझे लॉजिक देगा। बिना विजन के लोगों के साथ काम नहीं कर रहा हूँ अभी तक, तो नहीं किया। एक फिल्म में से ब्लॉक हुई होती है
लाइफ में तो लग गई। दीवाना का फिल्म तो अच्छी थी यार, तुम्हें नहीं देखना, तुम्हें सबको अनुराग कश्यप का नहीं, वो चेंज नहीं मारा था बाबा, दोनों एंडिंग है, इन्होंने रिलीज नहीं करी वाली कंपनी। मतलब ये कहते हैं कि दो एंड शूट करते हैं और दो एंड शूट होते हैं, जैसे दो बार आएगा ऑडियंस देखने, मतलब आप कैसे जाओगे यार प्रतीक बब्बर को। हाँ एक कैमियो किया था, वो मेरे भाई का दोस्त है यार मनीष शर्मा, वो हम लोग साथ में क्रिकेट वगैरह खेले हुए, तो उसमें एक रोल था जिसका बहुत लंबा कमिटमेंट था, जो उसमें हलवाई बना हुआ था ना, सरदार जो का कैरेक्टर था। हाँ वो मेरे को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, क्योंकि आई वाज शूटिंग पर फंस गए रहे वहाँ उस समय, तो होता ना आप यार तू मनु मेरी फिल्म में नहीं यार, ये तो गलत बात है यार, तो फिर रणवीर शोरी वॉज डूइंग दैट कैमियो, और मैं दिल्ली में आया हुआ था अपने डैड से मिलने, तो मैं सेट में चला गया, तो मैं वही लक्की जो शूट करके गया हुआ था उसी एरिया में, उसी लोकेशन पे बैंड बाजा बजा की शूट हो रही थी, तो मैं वहाँ पहुँचा तो शायद ताज़ा वही लक्की का प्रभाव हुआ, या मेरी मूछें थी, तो सब बंगाली भाई करने लगे, भाई बंगाली भाई क्या हाल है, बंगाली भाई ये वो पोस्ते आठ ये वो सिनेमा ना यार, वो क्या हो गया, लकी बंगाली तो ये है वो रहेगा, पर वो खुश होते हैं कि हमारा दिल्ली का भाई साहब वो जो सीन था ना भाई नहीं है, एंड उनके चेहरे को होता है कि मैं तो 20,000 बार बोल चुका हूँ, ये सबने बोला, मेरे भाई भी बोलते हैं भाई जो हमारी तुमने हमारे डायलॉग लिखे तेरे कैसे डायलॉग लिखे, कंगलों के घर पैदा हो गया, सी दिस वन इम्पोर्टेंट सीन, यू कैन गो टू साकेत सिटी, देयर इज अ शॉप जहाँ पे टी शर्ट्स मिलती हैं, अभी भी कंगलों के घर पैदा हो गया, एक ने टी शर्ट बनाई है कंगलों के घर पैदा, वो और हांडा कैसे कैरेक्टर है, हमारे यहाँ सरदार था वो बोला करता था अक्सर, अपने पोते को बोलता था, पैसे नहीं होते थे पर टालता था हमेशा, तो पोते को बोलता था कि मैं तेनू लह के जा गड्डी हीरा हांडा, हमारा सियालकोट पाकिस्तान में दोस्त हुआ करता था एक, उसका बेटा हीरा चंद हांडा, उसने कंपनी खोली है अपनी, पहले साइकिलें बेचता था अब उसने मोटरसाइकिलें बनानी शुरू कर दी हैं, एंड वो झूठ पे झूठ बोलता था, और हम अपने बचपन में उसकी कहानियों में जुड़ते थे, हीरा हांडा वहाँ से नाम है, हीरो हांडा इज एक्चुअली उसकी बैंड में उसकी इमेजिनेशन में उसके दोस्त की कंपनी, तो दूसरा भी कौन हीरा, तब पोते को भी उसने दे दिया ड्रीम की उसको बाइक मिलेगी, वो हमारे आगे बोल देता था, उसने इसके अंदर एक्टिंग की है, आगे दूर का बड़ा वेज होना है सरदार, जो स्नो में मिलता है उसको शिमला में मिलता है मनाली में, दैट सरदार इज नॉट एन एक्टर, माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ये चीपू उपू सबका दो दोस्त, ये मिलता और ये इसको, इसने बचपन में अपने दादा को बोला कि लेके दो मोटरसाइकिल, कहता तो कौन सी लेगा, कौन सी कलर की है, ब्लैक नहीं ब्लैक चुनौती होती है वो, रेड ले दो कहते कौन से होगी लाल मारुति, उन्होंने मारा चाटा गिर गया नीचे, वो हमारे सामने ए सी होगी ऐसे करते हैं, छत पे खड़ा हो गया, छत पे खड़े होकर उसने बोला कल्याण सिंह उतरा मेरा दादा जो ना कंगड़ा कंगड़ा और कंगड़ा का पैदा हो गया, हमने लिख दिया वो दीवार को, इसमें मजा आया जैसे तुम्हें आया, ऐसे ही मैं सुना देता था और उसको लिख दिया, और कंगड़ा का पैदा हो गया, और मुन्नू जेड़े कंगले लिखे थे वो थे जयपुर दो इंच का कंगड़ा, अरे सरदार कंगले सरदार जी से लीजिए तू चले आते ना दस रात चले आते, फिर उसने हार्ट अटैक किया ऐसे, और दादा आगे का हमारा टाइम नहीं था ना, तो ये भी बड़ी बनाओ गिर गया दादा, अब पोते की जान निकली, पोता नीचे आया,
जैसे नीचे आया दाढ़ी की गलती होगी दाढ़ी ने बाबू से आया तू कैसे तू बता कौन कगना एंड मारा हमने ये भी लिखा था कि फिर मर जाता है हार्ट अटैक से ना तो बेटा आता है कहता है पापा क्या हो गया फिर मगर कंफ्यूजिंग बट नहीं हमने कार्ड भी बना फन बैटिंग जब तक एक्टर है तब तक राइटर रहेगा राइटर अकेला तो कुछ कर नहीं सकता कोई मुझे बोलेगी अपनी कहानियों के अलावा मैं फिर सोच के इसलिए देखता हूँ कनेक्ट नहीं मैं सारी जिंदगी दिल्ली लिखना चाहता हूँ मुझे इसमें कोई शर्म नहीं क्योंकि दिल्ली की अभी शुरुआत हुई है पता नहीं कितने लोग कितनी कहानियाँ कितनी कहानी हर 3 किलोमीटर में भाषा बदलती है खाने पीने और बताओ मुझे अपने से प्यार करो ना करो अपने आस पास माहौल से बहुत प्यार करो अपने बाप को भी मत छोड़ो अपनी माँ को भी मत छोड़ो अपनी भाई बहन किसी को मत छोड़ो अड़ोसी पड़ोसी जिसको भी करो यार ना तुमको मज़ा आने लगे एंड ये सच है जब मैं एक्टिंग करते थे तो हमें ये गुड एक्टर बनने का जो एक सपना होता है टेक्निकल सपना डायरेक्टर ने बोल दिया कि जाओ मुझे जाके बैठा करो अब बैठो कब तक बैठो कभी तो दिखना शुरू हो ही जाएगा ना तो वहाँ बैठे बैठे एक छोटी सी वॉक पे भी काम हो जाता है तो जब हम काम कर रहे होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही होती हैं दिवाकर मुझे कहता है कि बंगाली वॉक कैसे कर रहे हो हाउ विल वॉक तो उसकी वॉक के ऊपर भी वो आदमी बैठ रहा था तो मज़ा आता है ना आप लकी हैं यार कि आप किसी इंटेलिजेंट डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो वॉक के ऊपर हम कर रहे हैं तो वॉक में भी कुछ यार ऐसे आदमी को मैं इनको जानता हूँ गप्पू एक लड़का होता था जो हमेशा ही कहता था वो मैं दिलवा दूंगा मन्नू तो पागल हो रहा है मैं गाड़ी दिलवा दूंगा तेरे को 2 मिनट में मिनट से पहले दिलवा दूंगा मिनट से पहले तो ऐसे ही दे रहा है उसको वैसे मैं दिलवा दूंगा जब मेरा दोस्त है उसकी गाड़ी है आज दिलवा देता हूँ देखो तो उसकी जो वॉक में एंट्रू होता था ना वो मैंने बंगाली के जब बंगाली लक्की पर हावी था सेकेंड इनिंग में जब वो आता है तो वो बंगाली से दबता है क्योंकि बंगाली के पास स्टाइल आता है छोटी छोटी चीज़ें मुझे मालूम नहीं बॉम्बे में पहली बार किसी पब में जाऊँगा पुराने दिल्ली 6 में पहला हूँ अगर 2:40 तक घर में आ जाए तो बाप की बैठ निकल जाएगी ऐसा हमारा बाप तो ऐसे में अचानक मुझे पता चला पब नाम की कोई चीज़ होती है और कोई दोस्त मुझे ले जाता है वहाँ तो वहाँ मेरे से पूछेगी तू क्या बोल रहा तो मैं तो बियर ही मांग सकता हूँ सर मुझे किसी और ड्रिंक का नाम नहीं मांग सकता तो मैं जब बियर मांगता हूँ तो एक साथ में आकर बोलता वहाँ स्क्रू ड्राइवर का अच्छा मैं स्कूटर स्पेयर पार्ट की लाइन में हूँ तो स्क्रू ड्राइवर मेरे लिए तो कुछ और है तो मुझे पहली बार इंट्रोडक्शन मिलता है बॉम्बे में स्क्रू ड्राइवर एक चीज अब ये भी तुम ध्यान से देखोगे तो पहले सीन में जब हम पब में जाते हैं पहली बार तो एक आदमी ऐसे पास वन स्क्रू ड्राइवर प्लीज तो लकी जाता है और आई एम वेजिटेरियन वेजिटेबल बोलती है ना वो डॉली बोलती है अब चम्मक चल हाँ उसके बाद एक सीन जब लैपटॉप चुरा कर तो ऑर्डर करता है वन स्क्रू ड्राइवर ऑलवेज एक तो हाँ मैं तो इसमें भी एक किस्सा सुनाता हूँ उसको दिवाल में तो बड़ा मज़ेदार प्रोसेस था उसके साथ उसे निकलवाना आता बहुत अच्छे तरीके से पर निकलवा तभी सकता है कोई आपसे जब आपके पास ना हो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू दिस डिस्कशन फॉर लॉन्ग आई विल कॉल इट ऑफ फॉर टुडे मेबी तो इतना मज़ा आ रहा है यार इतनी एनर्जी है सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग है सो लेटर ऑन वी विल कनेक्ट एंड आई होप दिस एक्सपीरियंस इज गुड फॉर दोज हु आर एन एक्टर एज वेल एज दोज हु आर डायरेक्टर इज ऑलवेज अ राइटर फर्स्ट एंड योर डायरेक्टर ऑन दिस दोज हु आर कैमरामैन देखो यार बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखो क्योंकि किसी भी फिल्म में एक कल्चर होता है
फिर वो आप अपने से इमोशनली जुड़ सकते हैं। फिर वो जब जुड़ जाता है अंदर तो शायद कभी भी एक कहानी को जन्म देता है, मुझे ये लगता है। मैंने अगर क्रिकेट देखी थी 40 आदमी की तो मैं देखी थी और मैं देख के भूल गया हूँ ना, पर अभी मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी जिसमें मैं और दीपक गोवर्धन एक्टिंग कर रहे हैं उसमें मैं एक डेड बॉडी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और वो एक मेंटल आदमी बन रहा है एंड दो लोगों की कहानी है, मतलब किसी दो लोगों की कहानी है और हैप्पी हैप्पी जॉय जॉय फिल्म का नाम है और सिर्फ मैं और दीपक गोवर्धन हैं। मैं मर चुका हूँ, दंगे फसाद हुए और मर गए, उसके बाद हम लोग घूम चुके और वो मेरी लाश को ले लेके घूमता, बस सब कुछ कर रहा है वो मेरे साथ जिंदगी में जो है। मैं और दीपक गोवर्धन दोनों हम एक ही ग्रुप के एक ही साथ मेरी पहली बार में काम भी कर रहे हैं। तो अब जब मैं पढ़ता हूँ उसको तो इतना कुछ उसका दिख रहा है एंड सब फनी फिल्म बट है कि वो छोटी बातों में बड़ी बातें कह जाते हैं, बात तो वही करते हैं मतलब उतर कर लिया ऐसा सब कुछ। पर अब जब भी हम उस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तब तक मुझे वो दटे आ ही रहा है, इतना कुछ है इसके अंदर सब दिख रहा है।